हज़रा ग्रामी मैं तंजीम इस्लामी की तरफ़ से आप सब हज़रा तशरीफ़ आवरी पाप पार का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खुश आमदेद कहता हूँ आज की जो मेन गुफ्तु है आज की उसका मौजू है कायद अजम इलाम इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान हज़रा जैसा कि आप जानते हैं कि रोशन ख़्याली की आड़ में आज कल जिस तरह तारीखी हक़ को मसख किया जा रहा है और नज़रिया पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ तावीलात की जा रही हैं और गरी जा रही हैं इन शज़ीज़ इस खताब से इन बन, इन मन गरत तावील की तरदीद भी होगी और असल हक़ाइक आपके सामने आएंगे आपने चंद रोज़ पहले अखबार में ये भी पढ़ा होगा कियद आज़म की 11 अगस्त उन्नीस वाली तकरीर को आयन का हिस्सा बनाने की बात हो रही है ये उन्हीं कोशिशों का हिस्सा है कि ये साबित किया जा सके कि इस मुल्क की बुनियाद इस्लाम नहीं थी असल बात बानिय मोहतरम डॉक्टर शारमा साहब आपके सामने रखेंगे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कियद अजम की अगरचे उस ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस वाली तकरीर की भी मुख्तलिफीलत हैं लेकिन उन दर्जनों बल्कि उन सैकड़ों खताबात का हम क्या करें जो कायद आज़म ने इस्लाम के हवाले से तहरीक पाकिस्तान के दौरान की थी उनमें से ख़ास तौर पर ये कि हमारा आयन आज से चौदह सौ साल पहले बन चुका है ऐसी बहुत सी बातें हैं बहर मैं आपके उनके दरमियान ज़्यादा राय नहीं रहूँगा डॉक्टर इसरार अहमद के साहबजादे हाफिज आकिर सईद साहब जो इस वक्त तनजीम इस्लामी के अमीर हैं मैं दावत खताब दे रहा हूँ अमीर तनजीम इस्लामी मोहतरम हाफ आक़िर सईद साहब को तशरीफ़ लाएँ और आप अपने खताब से हमें नवाजें असल वरि वक् الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم रबली सदरी वी अमरी वाहली हज़रा मोहतरम और मुजस खुत मैं सबसे पहले तनजीम इस्लामी की जानब से आप सबका तमाम हजरात ख़वान का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खुश आमद कहता हूँ कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशीफ़ लाए मैं ये वजाहत भी करता चलूँ कि मैं कोई खिताब करने नहीं आया आज का खिताब एक ही है वो बानी मोहतरम डॉक्टर हिसार अहमद साहब का है इंशाल्लाह, चंद बातें हैं जो आपके गोश गुजार करना चाहूंगा देखिए पूरी दुनिया जानती है और मानती है कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है आइडियोलॉजिकल स्टेट है वो जो बात कही किसी ने कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है सारी दुनिया हमें आइडियोलॉजिकल स्टेट की हैसियत से मानती है और हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दानश्वर पाकिस्तान के क्याम की बुनियाद एक नजरिया है दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह वतनी कौमियत के जो दीगर अवामिल होते हैं नस्ल जबान को ये कौम होना इनमें से कोई भी इस मुल्क की बुनियाद नहीं है और वो एक नजरिया सिर्फ इस्लाम है उसी हवाले से हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बात की थी और मतालबा रखा था और उस वक्त के हुक्मरान अंग्रेज से तर, तकाजा किया था कि हम हर एतबार से हिंदू से एक अलग कौम है जिसमें असल शेर नज़रिया है हमारा अकीदा है हमारे मजहबी दीनी तस्वुरात हैं हमारी अकदार हैं हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं और ये बात भी आप जानते हैं कि किसी नज़रियाती ममलकत का इस्तेकाम और बका उसकी दारो मदार उस नज़रिए की पुख्तगी और इसकाम पर होता है लेकिन हमारा आलमी और शदीद बदकस्मती ये है कि बजाय इसके कि उस नजरियाती बुनियादों को मजबूत करते हमने इस मौजू को कंट्रोवर्शियल बना दिया कि आया इसकी बुनियाद किसी नजरिए पर थी भी कि नहीं थी या एक कौम को दूसरी कौम से कुछ अंदेशे दाहब थे खौफ था कि माशी एतबार से वो दबा लेगी और बस हमारे दानिश्वर दुनिया के राज सेकुलर तस्वुराज से इतने मरूब हैं कि यह तस्लीम करने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था गोया इन नाम निहाद दानिश्वरों का मामला आज भी यही है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में लिहाजा वो इस तहमत से बचने के लिए अकल दानिश की तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं और अजीब और गरीब तावीलात करती है चुनाच नजरिया पाकिस्तान जो इस मुल्क की अहसास और बुनियाद था वो आज एक चिस्तान बनकर रह गया और शुद्ध परीक्षा खाबेमंद नसरत ताबीर का मिशाक है और सबसे बढ़कर बात यह कि अब यह मामला हुकूमती सतह पर हुकूमती सरपरस्ती में हो रहा है मुल्क की नजरियाती बुनियादों पर कुदाले इस मुल्क के मुहाफिज चला रहे हैं इकबाल ने अपने खुतब अलाहाबाद में उन्नीस सौ तीस में जब पहली बार तस्वर पाकिस्तान पेश किया था मैं इस वक्त उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा उसका सिर्फ हवाला दे रहा हूं तो एक बात फरमाई थी उन्होंने कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरब में जो एक इस्लामी रियासत वजूद में आएगी ये एक तकदीर है डेस्टनी है तो हमें मौका मिलेगा कि इस्लाम के रोशन चेहरे पर जो दाग धब्बे दौरे मलूकियत में आ गए हैं उनको दूर करके इस्लाम के रुखे अनवर को पूरी दुनिया के सामने रोशन करें वाज करें लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हम आज हुकूमती और सरकारी सतह पर नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम के चेहरे को मस्त करने पर तुले हैं और यह सब कुछ रोशन ख्याली के पुर्फरेब उनवान के तहत हो रहा है इस घर को आग लग गई घर के चिराग से हम अपनी तारीख भूल चुके हैं हमारा अलविया यह है कि हमें अपनी तारीख से काट दिया गया दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान का मतालबा किया गया था हमने साबित किया कि हम हर एतबार से हिंदू से अलग कौम है और उसके साथ होकर एक मुल्क में एक कौम की हैसियत से हम नहीं रह सकते मुमकिन नहीं चुनाचे हमने मतालबा किया कि एक अलग खत् जमीन जहां हम अपने नजरियात अपने तस्वुरात अपने अकायद अपने तर्ज जिंदगी अपनी माशरती अकदार पर मुश्तम एक माशरा तश्कील दें जहां हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम हो हमने अल्लाह से वादा भी किया था जिसका इजहार उस नारे की शक्ल में हुआ डाला पाकिस्तान का मतलब क्या ना और ये नारा आपको है कि पूरे गूंज रहा था अल्लाह तीन ही से यह मुल्क बना है यह भी सब दुनिया जानती है मैं इस तफी में नहीं जाऊंगा बानी मोहतरम ने अपनी किताब में भी वजाहत फरमाई है और शायद आज की खिताब में भी उसकी वजाहत आएगी इसका में पाकिस्तानी नामी किताब में लेकिन सवाल यह है कि आज वो इस्लाम कहां है हमने इस्लामाबाद तो बनाया है लेकिन इस्लाम का मामला तो अब उसे ढूंढ चिरागे रुखे जेबा लेकर वाला मामला हमारे मुल्क के एक मारूफ दानिश्वर भी हैं और वकील भी हैं फारूक हसन बार्ट लॉ ालिबा डेढ़ दो, दो साल कबल वो इंडिया के दौरे पर गए थे जिस ज़माने में वफूत का तबादला था मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जा रही थी पाक भारत दोस्ती जो है उसके गलगले बुलंद थे तो उनका भी वफद गया था वो कला का हाई लेवल के टॉप लेवल के वो कला का वफद गया और हिंदुस्तान में उनके जो मुकाबले पर जो उसी लेवल के वो कला थे उनसे उनकी मुलाकातें हुई तबादला ख्याल का मौका मिला वापस आकर उन्होंने अपने दौरे के जो हालात थे और जो तासरा थे वो लिखे थे अखबार में सुनाच एक बात उन्होंने वो लिखी थी जो हम नोट कर लेनी चाहिए कि एक सवाल हमसे ऐसा किया गया जिसका कोई जवाब हमारे पास नहीं था वो सवाल सुनिए वो सवाल ये था कि पाकिस्तान बनाकर आप लोगों ने इस्लाम के नाम से कौन सी पेश की है इस्लाम के हवाले से कोई एक चीज हमें बता दीजिए जो इंडिया के मुसलमानों को यहां इस्लाम के हवाले से सहूलत है वो वहां ना हो उससे आगे आपने क्या पेशरफ की है ये बताइए जो इस्लाम आपके पास है पाकिस्तान में वो सारे का सारा इंडिया में भी मौजूद है आपने मुल्क अलहदा किस बुनियाद पर बनाया था आपकी मीशत आज भी सूद पर है आपके यहां कानून जो है फैसले जो है वो आज भी अल्लाह की शरीयत के मुताबिक नहीं हो रहे नमाजें तो हमारे यहाँ भी पढ़ी जाती हैं रोजे भी रखे जाते हैं अजाने भी दी जाती हैं लोगों को हज का और उबरे का वीजा भी यहां से मिल जाता है इंडिया के मुसलमानों को कौन सा तीर मारा आपने पाकिस्तान बनाकर कहां है वो इस्लामी माहौल कहां इस्लामी माशरा कहां वो आदल इस्लामी कोई जवाब नहीं था उनके पास ये उन्होंने तस्लीम किया लाखों जानों की कुर्बानी और हजारों इसबतों की कुर्बानी किस बुनियाद पर दी थी हमने आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के लहू से गद्दारी की है और अल्लाह से बदहदी के मुरतकब हुए नतीजा हमारे सामने उन्नीस सौ सैतालीस में जो आजादी हमें अल्लाह ने अता की थी आज आमलन हम उससे महरूम हो चुके पहले इंग्लिस्तान की हुक्मरानी थी वहां का एक वायसराय यहां पर उनके एजेंडे की तकमील करता था आज नौयत में क्या फर्क पड़ा इंग्लिस्तान की बजाय अब अमेरिका जो है वो फरंग का इमाम है उन्हीं के एजेंडे की, की तकमील करने के लिए यहां पर हमारा हुक्मरान तबका हर वक्त बसरो बस चश्म तैयार है नौयत में कोई फर्क नहीं वो आजादी तकरीबन हमसे चुन चुकी बाहर के आखिरी बात करता हूं कि पाकिस्तान के कयाम में अल्लाह की खसूसी ताइद शामिल थी और अब तक भी ये पाकिस्तान जो बचा हुआ है वो खसूसी तइदी के सबब से है वही है जो इसकी हिफाजत फरमा रहा है वरना हमने तो कोई कसब न छोड़ी थी आज हमारे दुश्मनों को यह हिम्मत हो रही है कि वो कहते हैं फनासन के बाद दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा वाजल्ला खाकम बदहन दुनिया में यह बातें कही जा रही है? बड़े बड़े थिंक टैंक्स जो हैं वो ये शोशे छोड़ रहे हैं उन्हें हिम्मत हुई है क्यों हिम्मत हुई है हमारी मुझे माना गफलत की वजह से भारत के फ, पाकिस्तान डाक कमजोर सही एक एटमी कुत भी है और यह भी मानना चाहिए कि यह भी अल्लाह की खसूसी आता है इसमें हमारे कसब को कोई दखल नहीं साइंस और टेक्नोलॉजी के अतबार से पाकिस्तान दुनिया के पस्तरीन ममालिक में लेकिन उसे वो एटमी सलाहियत अता हो गई है जो दुनिया के चंद चोटी के को हासिल ये मौजा नहीं तो और क्या है आज भी ये मुल्क दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क बन सकता है शर्त सिर्फ एक है हम पैदायशी मुसलमान तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे मुसलमान बन जाएं अमरीका का दामन छोड़कर अल्लाह का दामन रहमत थाम लें तो क्या होगा आज भी हो जो राहीम का ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज गुलस्तम पैदा अगर ऐसा हो जाए तो जो खाब अल्लामा इकबाब ने देखा था 1930 में और जिन तस्वूर के तहत कायद आज़म ने पाकिस्तान के क्याम के लिए अनथक मेहनत की थी उनके वो ख्वाब और वो तस्वूर आज मुजस्म हकीकत बन सकती और यही पाकिस्तान जो आज अमरीका का गुलाम है अगर वाकई हम इसे एक फलाही इस्लामी रियासत बना दें उसके लिए हमें हिम्मत करना होगी उस दीन को उस इस्लाम को जिसकी बुनियाद पर हमने ये खत्म हासिल किया था उसे खुद भी अमल इख्तीयार करना होगा और उसी की बुनियादी अकदार और वैल्यूज़ के मुताबिक मुआरत तश्कील देना होगा उसी निज़ाम को दीन हक को कायम करना होगा तो यही पाकिस्तान इस्लाम के आर्मी गलबे की तमहीद बन सकता है और इस्लाम की नश्तान का नुक़ः आगाज़ साबित हो सकता है अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिज़ु अमान में रखे इसे इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिशों से महफूज रखे अल्लाह ताला हमें सच्चा मुस्लिम और मोमिन बनकर इस अर्ज पाकिस्तान को इस्लाम का एक नाकाबिल तस्खीर किला बनाने की तौफीक अता फरमाए इकबाल के शेर पर अपनी बात खत्म करता हूं कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अमीर तंजीम इस्लामी हाफिज़ आकिफ सईद साहब आपसे खिताब फरमा रहे थे हजरात आपने ये बात तो सुनी होगी कि कोई शख्स अगर बादशाह की खिदमत कर रहा है तो वो बादशाह पर एहसान नहीं कर रहा बल्कि ये बादशाह का एहसान है कि वो उससे खिदमत ले रहा है ये बात किसी बादशाह के बारे में तो दुरुस्त नहीं है गलत है इसलिए कि हमने बादशाहों को अपने ही ख़ादमों का मोहताज होते देखा है तारीख इस बात की गवाह है ये बात उसी के बारे में दुरुस्त हो सकती है जो आजिज़ नहीं आ सकती जिसे किसी की मोहताजी नहीं है जिसे किसी का एहतियाज़ नहीं है और ये जात सिर्फ़ अल्लाह इज़्ज़त की है लिहाजा अगर को अल्लाह इज़्ज़त उसके कलाम उसके दीन की खिदमत कर रहा है तो ये उसका एहसान नहीं है बल्कि अल्लाह इज़्ज़त का एहसान है कि उसने उसे मुंतब कर लिया उसका इंतब कर लिया कि वह उसके दीन की खिदमत करे उसके किताब की खिदमत करे हर दौर में ऐसे अफराद रहे हैं जो उसके दीन की खिदमत करते रहे और ये अल्लाह का उन पर एहसान था कि अल्लाह ने उन्हें चुना अपने दीन की खिदमत के लिए आज के दौर में भी यकीनन बहुत से अफरा बहुत से मुखलस अफरा तो जिन्हें अल्लाह ने नवाज़ा कि वो उन्हें अपने दीन की खिदमत के लिए अपनी किताब के लिए खिदमत के लिए मंतख करें उनका इंतब करे ये अल्लाह के उन पर बहुत बड़ा एहसान है ऐसे एहसान शुदा लोगों में और ऐसे मुंतब लोगों में बानिय तंजीम मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद भी शामिल हैं जिनसे अल्लाह ने अपने दीन का अपनी किताब की खिदमत का काम लिया मैं दावत खताब दे रहा हूँ बानिय तंजीम मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहमदिल्लमदिन

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال عز وجل حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام كما ورد في سورة الأعراف قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

नजरिया पाकिस्तान की बात की यह नजरिया पाकिस्तान फिल वाक को है थी भी या नहीं क्या ऐसे ही इसे घड़ लिया गया है या इसकी कोई हकीकत है इस पर जैसा कि उन्होंने कहा एक कंट्रोवर्सी काफी तवील अरसे हमारे यहां पैदा कर दी गई गलत बबहस पैदा हो जाए तो एक बात कितनी ही यकीनी हो उस पर यकीन में जोफ पैदा हो जाता है इन हालात में जरूरत है इस बात की कि देखा जाए पूरे तजिये के साथ ठंडे गौर व फिक्र के साथ कि नजरिया पाकिस्तान नाम की कोई शह थी भी या नहीं अगर थी तो वो क्या था और खास तौर तो पर यह कि फिर उसका खालिक कौन था अभी पिछले दिनों आपने भी अखबार में पढ़ा होगा अलताफ हुसैन साहब ने जो एम क्यू एम के लीडर हैं खासतौर पर यह बयान दिया कि जो लोग समझते हैं कि इकबाल नजरिया पाकिस्तान के खालिफ है वह बहुत बड़ी गलत फहमी में मुबला है तो आज हम चाहेंगे कि जरा इस मसले को अच्छी तरह समझे लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा तारीख का जायजा लेना होगा खास तौर पर अंग्रेजों के आने के बाद मुस्लिम इंडिया किन मसाइल से दो चार हो गया था उसका एक अंदाजा देखिए जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया है पहले वो ताजर की हैसियत से आया था लेकिन 18वीं सदी के वस्त में उसने यहां कब्जा हुकूमत पर कब्जा करने के अमल का आगाज किया उससे पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत रही बाज इलाकों पर खास तौर पर वो जो हमारा इस वक्त का पाकिस्तान है इन इलाकों पर तकरीबन 800 सौ बरस से हुकूमत चली आ रही थी पूरे हिंदुस्तान पर भी तकरीबन 400 सौ बरस तक हुकूमत की है, हैिर बात है कि मुसलमान का गलबा था मुसलमान हाकिम था यहाँ के दूसरे अपनाए वतन जो हैं वो महकूम थे लेकिन ऐन उस वक्त जब के अंग्रेज आ रहा था सूरत हाल कुछ बदल चुकी थी मरकजी हुकूमत जो है मुगलिया हुकूमत इंतहाई कमजोर हो चुकी थी हजरत औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद जवाल का अमल जो शुरू हुआ है वो तकरीबन सौ बरस में अपनी इंतहा को पहुंचा यहां तक एक वक्त वो भी आया कि कहा गया एक मुहावरे के तौर पर हुकूमत शाह आलम अज लाल किता किला पालम पालम एक गांव था चल मील के फासले पर जहां फिर हिंदुस्तान का हवाई अड्डा बना पालम एयरपोर्ट तो गोया के शाह आलम की हुकूमत जो है वो लाल किले से पालम तक थी सिर्फ बकिया पूरे हिंदुस्तान में तबाही फिल्म शिमाली हिंद में सिखाशाही वस्ती हिंद में मरहटों की जो भी दहशत गर्दी चल रही थी पूरा हिंदुस्तान मुंकसिम था रियासतों में उनमें मुसलमान भी थी हिंदू रियासत भी थी इस सब के बावजूद बहसियत मजमू मुसलमानों का पड़ा भारी था लेकिन अट्ठारह के गदर के फरोह हो जाने के बाद और हिंदुस्तान के बराह रास्त आज बर्तानिया के तहत आ जाने के बाद एक बड़ा बुनियादी फर्क वाक हुआ इससे पहले सना का मामला चल रहा था तो गए गुजरे हालात में भी मुसलमान का पड़ा भारी था अब जैसे कि एक वायसराय का कॉल मशहूर है विल यू बी गवर्न बाई सोर्ड और बाई पेन ज बरतानिया के तहत हुकूमत शुरू हुई कलम के जरिए से रूल ऑफ लॉ इसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई है अब जाहिर बात है उसके तहत तो अब तादाद का मामला रह गया अब तलवार तो अब न्याम में चली गई अब सारा मामला तादाद का था तो हिंदुओं की जो अददी अक्सरियत थी उसके असरा जाहिर होने शुरू हो गए और मुसलमानों में खफीफ सा खौफ पैदा होना शुरू हुआ कि ये जिन पर हमने तकरीबन आठ सौ बरस हुकूमत की है अब ये हमसे इंतका लेंगे इस पर मुस्तजा एक बड़ा अजीब फिन है उस पर आप मैं चाहता हूं कि आप तवज्जो से गौर फ़रमाएं अंग्रेजी हुकूमत जब यहां आई है तो जो रद्द अमल था यहां के मुसलमानों और हिंदुओं का उसमें फर्क था पहली बात तो यह कि हिंदू पहले भी गुलाम था अब भी गुलाम हो गया उसके लिए मामला कोई नया नहीं था चेंज ऑफ मास्टर्स पहले हाकिम मुसलमान थे वो महकूम था अब हाकिम अंग्रेज हो गया वो महकूम हो गया लेकिन उसके लिहाजा उसके लिए कोई साइकोलॉजिकल शॉक नहीं था कोई बड़ा सदमा नहीं था कोई बहुत रंज और गम और अलम की बात नहीं थी इसके बरक्स मुसलमान अभी तख्ते हुकूमत से उतार कर जमीन पर खड़े किए गए थे उन्हें तो अपनी जो सबका कैफियत है वह अभी याद थी यही वजह है कि मुसलमानों के अंदर बगावत के जरासी मौजूद थे अभी अंग्रेज शुरू ही हुआ था बंगाल की तरफ से आ रहा था उसकी आमद जो है आगे बढ़ रही थी कि अजीम तहरीक शुरू हुई शहीदन की तहरीक सैद अहमद बरेलवी रहमतल्ला और शाह इसमाईल शहीद रहमत उनका नक्शा यह था कि पहले शिमाली हिंद को सिखा शाही से निजात दिला लें फिर वहां से और चूंकि हिंटरलैंड जो होगा वो मुसलमानों आलम इस्लाम के साथ फिर मुसलसल होगा मुतसिल होगा तो उधर से आकर फिर हिंदुस्तान को असर नौ हिंदुओं के गलबे से भी और अंग्रेजों के गलबे से भी निजात दिलाई जाए और इसका जो स्टेटस दारुल इस्लाम का चला आ रहा था उसे दोबारा कायम किया जाए अगर चाहिए तहरीक अट्ठारह सौ इकतीस में शहादत गए बाला बालाकोट में खत्म हो गई बहुत बजाहिर लेकिन इसके बाकीहत तो इसके असरा बहुत अरसे तक तकरीबन एक सदी तक चलते रहे चुनाचे बेशुमार फांसियां जो हैं उनकी सजाएं पाई मौलाना जाफिर थानेसरी जैसे लोग बेशुमार लोग फांसी दिए गए या ये है कि काला पानी भेजे गए उन्होंने सारी सजाएं जो हैं बंद की बर्दाश्त की इसके अलावा हिंदुस्तान के शिमाल मगरब में अभी तक वो जिहादी असरात जो हैं जिहा तहरीक मुजाहिदीन के बाकियात साल उन्होंने अरसे तक अंग्रेजों का नाक में दम किए रखा साथ ही आपके इल्म में यह भी होगा शायद बहुत से लोग भूल चुके होंगे इन वाकियात को हिंदुस्तान में जो सबसे आखिर में सूबा फता हुआ है अंग्रेज के हाथों पर वो सिंध था लेकिन सिंधी मुसलमान ने अंग्रेज के इस हुकूमत को जेन तस्लीम नहीं किया वहां बहुत बड़ी तहरीक थी हु तहरीक उसने मुकाबला किया है और ये उन्नीस सौ फोर्टीस जो है उनके दौरान तक भी ये खबरें अखबार में पढ़ते थे मैं भी उस वक्त अखबार पढ़ने के काबिल हो चुका था कि आज फला रेलवे स्टेशन को आग लगा दी हुरों ने और आज फलां थाने को जला दिया है और आज फलां यह कर दिया है और ये जो हमारे पीर पंगाड़ा साहब हैं इनके वारिस साहब को फांसी दी अंग्रेज ने और फिर लाश तक नहीं दी कहीं उनकी कबर का निशान तक नहीं और इन दोनों भाइयों को वो ले गया इंग्लिस्तान ताकि इनकी ब्रेन वॉशिंग करें और वहां की तहजीब तमदन का उनके ऊपर यह कैफियत थी कि जिसकी वजह से अंग्रेज को मुसलमानों से खौफ था अंदेशा था कि ये मुसलमान जो है अपनी खोई हुक, हुई हुकूमत वापस हासिल करने के लिए कोई बड़े से बड़ा कदम उठा देंगे और यह मसला मैं जिक्र कर दूं कि इस हद तक था कि बीसवीं सदी के आगाज तक यह सिलसिला हमें उलमा की इन तहरीकों का मिलता है बीसवीं सदी के आगाज में रेशमी रुमाल तहरीक हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी वो एक अज़ीम तहरीक थी उन्होंने एक तरफ अपने एक नाइब को मौलाना उबैदल्ला सिंधी को भेजा था अफगानिस्तान कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत को आमादा करे कि वो हिंदुस्तान पर हमला आवर हो एक तरफ खुद तशरीफ ले गए थे हिजाज क्योंकि उस वक्त तक वहां अभी मदीने में तुर्क गवर्नर मौजूद था उसके जरिए से ताकि खिलाफ़ा अभी खिलाफत मौजूद थी तो दारुल खिलाफ़ा तक रसाई हासिल करें कि वो भी कोई शक्ल ऐसी करे कि हिंदुस्तान पर हमला हो और यहां हम अंदर से बगावत करें खत्म करें वह तो यह है कि उसका राज फाश हो गया उसके बाद पकड़ धकड़ हुई हजरत शेख उल हिंद को गिरफ्तार किया गया हिजाज से बक्के से और रखा कहा गया माल्टा जरा अंदाजा कीजिए एक हिंदी मुसलमान उसे हिंदुस्तान लाकर क्यों नहीं जेल में रखा वह इकबाल का जो एक शेर है कि इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो तो हजरत शेख उहिंद रहमत मामला यह था कि उनके नफर से तेज से जो गर्मी पैदा हो रही थी अंग्रेज ने यहां नहीं रखा चार साल तक माल्टा में असीन रखा और छोड़ा उसी वक्त है जबकि उनकी टीबी जो है वो अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी और उन्हें अंदेशा था कि अगर हमारी असीरी के दौरान में इंतकाल हो गया तो कोई बहुत बड़ा जो है इस पर रद्द अमल पैदा हो सकता तो एक तो यह जो है फर्क था जिसके बिना पर अंग्रेज जो है हिंदू की हौसला अफजाई कर रहा था और उन्हें अपने से करीब ला रहा था जबकि मुसलमानों को दूर रख रहा था और मुसलमानों से कशीदा था एक दूसरा फैक्टर और भी था हिंदू का अपनी तहजीब अपने फिक्र अपने फलसफे से ताल्लुक बड़ा पुराना हो चुका था तो आपको मालूम है कि मुसलमानों के हुकूमत में सरकारी मुलाजमतों के लिए हिंदी हिंदुओं को भी फारसी पढ़नी पड़ती थी जैसे उसके बाद जब अंग्रेज आ गया तो हमने अंग्रेजी पढ़ी अब जहां फारसी जो है पढ़ी जाती हो वहां उसके सकाफती असरा कैसे मौजूद ना होंगे लिहाजा उनका मामला यह था कि वह अपना जो असल तहजीब और तमदन का मुआबला था उससे बहुत फासले पर आ चुके थे लिहाजा जब अंग्रेज ने यहां कल्चरल रेवोल्यूशन का आगाज किया अब निज़ाम तालीम के जरिए से इन हिंदुओं हिंदियों हिंदुस्तान के रहने वालों मुसलमानों और हिंदुओं के दिमाग और उनके फिक्र और सोच को बदला जाए उनके जहन के अंदर तब्दीली लाई जाए और लॉर्ड मैकाले जो इस पूरे निज़ाम तालीम का जो है बानी था उसने कहा था कि हमारे निज़ाम तालीम का मकसद ये है कि हिंदुस्तानी जो है वह अपनी चमड़ी की रंगत के एतबार से तो हिंदुस्तानी रह जाए लेकिन अपने जहन और फिक्र और तहजीब अपनी माशरत के एतबार से वो यूरोपीय बन गए इस कल्चरल रेवोल्यूशन का भी हिंदू ने इस्तेमाल किया फौरन अंग्रेजी पढ़नी शुरू कर दी फौरन उनके उलूम पढ़ने शुरू कर दिए जबकि इसके मुकाबले में मुसलमानों में तकसीम हो गई मुसलमानों में ओलमा का एक बहुत मौसर तबका वो था जिसने टोटल बाइकआउट किया ये जिसका फिर बहुत बड़ा मरकज देवबंग बना है ना अंग्रेजी पढ़ेंगे ना अंग्रेजी उलूम सीखेंगे ना अंग्रेजी तहजीब तमदन का कोई रंग अपने अंदर आने देंगे ये टोटल मामला जो है इस हद तक जा रहा था और इससे जो फर्क वाकई हो रहा था हिंदू निकल रहा था आगे मुलाजमतों में आगे जा रहा है अंग्रेज का तकनब उसे हासिल हो रहा है उसकी सरकार दरबार में रसाई हो रही है और मुसलमान दूर रह होता चला जा रहा है कि मशहूर मुसनिफे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर जिसने किताब लिखी थी अवर इंडियन मुसलमान उसमें उसने लिखा अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हिंदुस्तान मुसलमान मुसल्मा, हिंदुस्तान में मुसलमान या तो मंडियों के अंदर पल्लेदार और मजदूर रह जाएंगे या सरकारी दफ्तरों में अगर होंगे भी तो चपरासी होंगे या ज्यादा से ज्यादा दफ्तरी होंगे बस इसके अलावा उनका कोई स्टेटस जो है ब्रिटिश इंडिया में नहीं होगा इस मौके पर फिर मंजर आम पर एक शख्सियत आई जिसका नाम सर सैद अहमद खान बड़ी अजीम शख्सियत इसमें कोई शक नहीं हमें उनसे बहुत सी बातों में इख्तलाफ भी है वो जहां तक एक महब कौम मुसलमान थे मुसलमानों की मोहब्बत उनके दिल में थी और इंतहाई उसके लिए दर्दमंद थे इसमें कोई शक नहीं लेकिन वहां उन्होंने मुफसि की हैसियत से और मुतकलम की हैसियत से जो बातें की हैं वह हमारे लिए यकीन बहुत तकलीफ देह है लेकिन बार बार उनका यह मामला उन्होंने दो काम किए एक बड़ी अजीम किताब लिखी असबाब बगावत हिंद जिसमें अंग्रेजों को बताया कि यहां बगावत किस तरह हुई है और उसके असबाब असल में क्या थे और साथ ही मुसलमानों की तरफ से इतमान दिलाने की कोशिश की कि मुसलमानों को तुम बागी मत समझो ये भी पुरमन शहरियों की हैसियत से जिंदगी गुजार सकते हैं और दूसरे उन्होंने कहा कि मुसलमानों अंग्रेजी पढ़ो वरना तुम्हारा वही हाल हो जाएगा जो हंटर ने कहा है अंग्रेजी पढ़ो अंग्रेजी ओलूम पढ़ो अंग्रेजी तालीम सीखो नए साइंस आ रही है वो सीखो इन चीजों में जो चीजें गलत होंगे रद्द कर दो जो सही हों ख्याल करो बहरहाल इसकी वजह से भी जैसा कि मैंने कहा मुसलमान तो मुंकसिम हो गए अंग्रेज के कल्चरल रेवोल्यूशन को कबूल करने के एतबार से हिंदू ने यकसू होकर कबूल किया तो हिंदुओं का मामला जो है वो अंग्रेजों ने भी उनकी ज्यादा दिलजोई की उन्हें अपने करीब किया तकर्रुब आता फरमाया मुसलमानों को दूर रखा इस एतबार से अब यहां हिंदुओं की ताकत का पलड़ा भारी होना शुरू हो गया और मुसलमानों में खौफ पैदा हुआ कि ये हिंदू जो है अगर इससे इसी तरीका आगे बढ़ते चले गए तो ये हमसे अपनी 800 साल गुलामी का इंतकाम ले। इस एहसास को मैं चाहता हूं कि आप नोट कर लें। अब इस मौके पर आइए हिंदुस्तान में दो अजीम सियासी जमातें वजूद में आई एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अजीब बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कायम करने वाला एक कांग्रेस था मिस्टर ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट उसके कानों में कुछ ऐसी खबरें पहुंची कि बंगाल में कुछ नौजवान जो हिंदू हैं खासतौर पर ज्यादा उनमें कुछ मुसलमान भी हैं नौजवान हैं हिंदुस्तानी वो एक अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू करने वाले हैं जिसमें दहशतगर्दी होगी कत्ल गारत होगा अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए वो तरीके इख्तियार किए जाएंगे उसने उस वक्त का जो उस वक्त का वायसराय था उससे बात की लॉर्ड लिटन और तजवीज पेश की कि यहां हिंदुस्तानियों की एक जमात जो है ऐसी कायम होनी चाहिए कि वो दस्तूरी तौर पर कानूनी तौर पर पुरान तौर पर जो भी अपने हुकूक हासिल करना चाहे उसके लिए जिद्दोजहद करे वो मैदान खोल दिया जाए ताकि ये अंडरग्राउंड मूवमेंट जो है और दहशत गर्दी की तहरीक जो है इसका इसका अद्दे किया जा सके लॉर्ड लिटन ने और उसके बाद लॉर्ड डफरिन ने उसकी सरपरस्ती की और उसकी मेहनत के जरिए से अठारह में पूना के मुकाम पर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का क्या अमल में आया अब इसके साथ देखिए मुस्लिम लीग ये 21 साल बाद वजूद में आई है और इसका पसमंजर भी ये हुआ कि हिंदुस्तान इंग्लिस्तान में लिबरल पार्टी की हुकूमत कायम हो गई लिबरल पार्टी जो है जैसे कि उसके नाम से जाहिर है लिबरल उसके अंदर कुछ जो इंसानी तस्वुरा है वो नस्बता ज्यादा थे और वहां बात होने लगी कि हिंदुस्तानियों को भी कुछ हकूक दिए जाए और इंतजामी मामला में हुकूमत के मामला में शरीक किया जाए कुछ काउंसिलें बनाई जाए वाह राय के साथ काउंसिल हो गवर्नर के साथ काउंसिल हो जो इस तरीके से हुकूमत जो है उनको और आवाम के दरमियान वो एक पुल का काम दे सके इस एतबार से एक तश्वीश पैदा हो गई बहुत शरीद कि अगर इन काउंसिलों में ये वन मैन वन वोट के हिसाब से अगर नुमाइंदगी होनी शुरू हो गई तो मुसलमान तो बहुत पीछे रह जाएगा दब जाएगा मुस्तकिल गुलाम हो जाएगा हिंदू का सर सैद अहमद के रफीकार थे नवाब मोहसिन मुल्क ये तस्वीर सबसे पहले उनके दिल में पैदा हुई इसके साथ ही अलीगढ़ ही के एक रईस थे हाजी मोहम्मद इस्माइल इन दोनों ने मिलकर बहुत से मुसलमान जुआमा से रता कायम किया और फिर सबके मशवरे से चूंकि अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल अंग्रेज था वाइस राय उस वक्त शिमला में था और ये जो प्रिंसिपल था ये भी शिमले में था इसके जरिए से मुलाकात का वक्त लिया चुनाचे एक वफद वफद शिमला ये मशहूर है बड़ा लैंडमार्क है मुसलमान हिंद की तारीख के अंदर बहुत अहम है ये तो वहां पर यह वक पेश हुआ और वहां पर उन्होंने दो बातें रखी एक तो वही कि मुसलमानों की वफादारी का यकीन दिलाया मुसलमानों से आप खतरा महसूस ना करें या देशा महसूस ना करें हम आपकी हुकूमत को तस्लीम करते हैं और ये जो गवर्नमेंट बाय पेन अब हो रही है हम उसके साथ पूरी तरीके से शामिल हैं और दूसरे यही बात उन्होंने कही कि काउंसिलों की नुमाइंदगी में और ये कि अगर इसी तरह के कुछ और इदारे बने उसमें अगर नुमाइंदगी जो है वन मैन वन वोट के उसूल पर हुई तो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी इसमें इसका लिहाज रखा जाना चाहिए डफरिन ने इसकी इसका जवाब जो है बहुत मुस्बत दिया मैं उसका इकतेबास पढ़कर सुना रहा हूं आपको यह वीपी मेनन की किताब है ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया लॉर्ड डफरी ने कहा मुझे आप ही की तरह इस अबर का यकीन है कि बर सगीर में इंतखाब के जरिए जिंदगी का हर वो तरीका बुरी तरह नाकाम होगा जिसमें महज एक फर्द एक वोट का उसूल कार फरमा हो और बर सग़ीर की आबादी की मुख्तल कौमियतों के अकायद और रिवायात का ख्याल न रखा जाए गोया के वो मुस्लिम वफद का जो नुकता नजर था ला डफरिन ने कबूल किया इसी से हौसला पाकर फिर इन हजरात ने मोहसिन मुल्क वकारुलमल सर आगा खान और बड़ी बड़ी शख्सियतों ने फिर मुस्लिम लीग जो है दिसंबर उन्नीस सौ छ में ढाके में नवाब सलीमाल खान उनकी उनका उनकी महल नुमा कोठी में ये इजलास हुआ और उसके सदर मुकर हुए सर आगा खान और दो सेक्रेटरी जो थे वो सर सैयद के दोनों साथी नवाब मोहसिन मुल्क नवाब वकारुल मुल्क अब इस किस्से को जरा यहां छोड़कर आगे आइए दो अजीम शख्सियतें मुसलमानों ने हिंद के अंदर पैदा हुई इन दोनों को हम कह सकते हैं को फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान एक अमामा इकबाल जो मुफक्र फलसफी दानिश्वर शायर और दूसरे मिस्टर एम ए जिना में कर वदा, वजाहत कर दू कि मेरी तकीर के इस हिस्से में लफ्ज कायद आजम इस्तेमाल नहीं होगा कायद आजम वो बाद में बने एक तवील अरसे तक वो मिस्टर एम ए जिना थे उसकी मैं कुछ थोड़ी सी तशरी अभी आपके सामने कर दूंगा तो उस दौर के हवाले से जब बात होगी तो मैं मिस्टर जिना या मिस्टर एम ए जिना कहूंगा कायदे आदम नहीं तो दूसरी तरफ मिस्टर एह जिना थे जो बैरिस्टर थे वकील थे और साथ ही एक एक सियासी कारकुन भी थे इनकी शख्सियतों के बाद पहलू जो है बहुत दिलचस्प है बहुत मुख्तसर मैं उनका इशारा कर रहा हूं दोनों बहुत ही यू समझिए कि करीबी हम आसर अलामा इकबाल जो है मिस्टर जिना से सिर्फ साढ़े दस महीने छोटे थे जिना साहब की पैदाइश हो रही है पच्चीस दिसंबर अठारह सो छिहत्तर को और अलावा इकबाल की नौ नवंबर अठारह सो सतर को साढ़े दस महीने का फर्क है मकाम जो है पैदाइश का इकबाल का तो तय है सियालकोट उसमें कोई इख्तलाफ नहीं जिना साहब के मकाम पैदाइश के बारे में अगर चाहे आमतौर तो पर कहा जाता है कराची लेकिन हैदराबाद सिंध में यूनिवर्सिटी के साथ मुलहिक है इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी वहां के महकिन का फैसला है और तहकीक के बाद के वो झेक एक मकाम है छठा के करीब वहां पैदाइश हुई थी बहरहाल इस मसले को छोड़ छोड़ दीजिए कोई दिलचस्पी उसकी कोई अहमियत नहीं है एक अलबत्त बाजरा दिलचस्पी की भी है अलामा इकबाल के बारे में मालूम है उनका पसमंजर खासदारी जो था वह कश्मीरी पंडित कोई इख्तलाफ नहीं एम एना के पसमंजर के बारे में इख्तलाफ आमतौर तो पर मशहूर है कि वह इस्मा खोजे थे लेकिन मुझे एक अजीब इकते मिला है ये उन्नीस सौ चौसठ में आप बीती नंबर शायद किया था माहनामा नकुश ने बारह सो सफे का उसमें तमाम मुशाहिर की जिंदगी के हालात उनके अपने तहरीर से या अपने कौल के हवाले से बड़ी खूबसूरती से जमा किया गया उसमें मिस्टर जिना का कॉल यह है कि मैं असल में मंडगमरी के इलाके के राजपूत खानदान की नस्ल से हूं उसमें मैं उनका कॉल सुना देता हूं मेरे पास उसकी ये फोटो स्टेट मौजूद है मैं पंजाबी राजपूत हूं कई पुश्ते गुजरी मेरे एक जद काठिया चले गए थे वहां उन्होंने एक खाजा खोजा लड़की से शादी कर ली थी और उन्हीं के खानदान में मिल गए थे इस वक्त से हम लोग खोजों में शुमार होने लगे मेरे वो जद जो काठिया वार्ड चले गए थे जिला मंडगुमरी के रहने वाले थे अब इसका हवाला क्या है यह बात कायदे आजम के मुंह से उस वक्त निकली जब दवाब साहब बागपत ने कहा कि आपका खानदान तो तजारत पेशा है फिर में यह घन गरज कहां से आई तो इसके जवाब में आजम ने फरमाया कि मैं असल में इस्माइली खोजा नहीं हूं बल्कि मेरी रगों में जो खून है वो राजपूत का है और इसके कार है सगीर अहमद दब्बासी प्राइवेट सेक्रेटरी नवाब साहब छतारी बहरहाल ये एक दिलचस्पी की बात थी और कोई अहमियत उसकी खास नहीं है अलबत् एक और बात जिसकी अहमियत है अलामा इकबाल के खानदानी असरात में मजहबी रूह मजहबी जज्बा जो है वो बड़ा गहरा था उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद सूफी मिजाज बुजुर्ग थे नमाज रोज़े की पाबंदी वाले मामला तो था ही सद फीसद लेकिन उनका मिजाज सूफियाना था वालदा बहुत नेक फिर उनकी इब्तदाई तालीम जो है जिस माहौल में हुई है अल्लामा मीर काश्मीरी बहुत बड़े एक आलिम बहुत बड़े जो है मुदरस उनका फैज़ हासिल हुआ है तो ये इकबाल की तरबियत के अंदर इब्तदाई तरबियत के अंदर मजहब का हिस्सा काफी था ऐसी कोई चीज मोहम्मद अली जिना के मामले में हमारे इल्म में नहीं है जिना पूजा इनके वालिद थे और एक आम दर्जे के कारोबारी थे चमड़े का कारोबार करते थे लेकिन इसमें शक नहीं कि जहानत फतानत मेहनत मुशक्कत में मोहम्मद अली जिना बहुत आगे था बहुत आगे था उसने सोलह साल की उम्र में मैट्रिक तो किया लेकिन फिर गौर कीजिए बीस साल की उम्र में इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री करके वापस आ गया बीस साल की उम्र में और आते ही प्रैक्टिस शुरू की कराची में कराची में प्रैक्टिस नहीं चल सकी जमी नहीं तो फिर चले गए बंबई और बम्बई में उनकी प्रैक्टिस जो है वो जम गई अब यहां से मामला जो आगे का है वो बहुत अहम है मोहम्मद अली जिना का मिजाज बुनियादी तौर पर सेक्युलर और नेशनलिस्ट था चुनाचे 1906 में जब मुस्लिम लीग कायम हुई है वो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए उनका कहना यह था कि इसका रसमुलैन बुलंद नहीं है इसका मकसद आला नहीं है ये क्या ये सिर्फ अपनी जुदा गाना नुमाइंदगी के वसूल पर और अंग्रेज को अपनी वफादारी का यकीन दिलाना यह कोई ऊंचा है तो नहीं है इसके बजाय वो कांग्रेस में थे और दादा भाई नोरो जी जो सदर था कांग्रेस का उसके सेक्रेटरी थे इसके बाद भी सात बरस तक वो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए 1913 में जब मुस्लिम लीग ने भी खुद इख्तियारी के हसूल को अपना रसमुलाइन बना दिया तब मुस्लिम लीग में शामिल हुए और वो भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बहुत इशरार पर इसके बाद भी 1920 तक उन्होंने डुअल मेंबरशिप बरकरार रखी कांग्रेस के भी मुस्लिम लीग के भी और इस पूरे अरसे में उनका सारा रोल यह था किसी तरह हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मुसालहत हो जाए किसी तरह कोई फार्मूला तय हो जाए जो एग्रीड अपॉन हो जिससे मुसलमानों की तस्वीश भी खत्म हो उन्हें भी कुछ इतमान मिले कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो बहुत खतरे में नहीं है हमें कोई इतमान हासिल हो जाए इसके लिए कोई फार्मूला बने किसी तरीके की मेहनत की जाए उसके लिए जो सर तोड़ कोशिश उन्होंने की है। और ध्यान दीजिए कि उनके जहन के अंदर जैसा कि मैंने कहा है वो अंदाज जो है वो सेकुलर और नेशनलिज्म का बहुत गहरा था उनको इन, उनकी इन खिदमत के तोफैल में कहा गया एम्बेसडर हिंदू मुस्लिम इतिहाद का सफीर और ये कहने वाला कौन गोखले लेकिन यह कि उन्हें कदम कदम पर मायूसी का सामना करना पड़ा उन्होंने बड़ी मेहनत करके चूंकि 1920 तक इनके पास मेंबरशिप थी तो कोशिश की कि कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का इजलास एक ही मकाम पर हो ताकि लीडरों का आपस में मेल जोल गुफ्तु वहां पर उनके भी सारे लीडर आए हुए हो इधर के भी आए हुए हो तो इससे यह कि गुफ्तुशनीत से कोई रास्ता निकल आए चुनाचे उन्नीस सौ पंद्रह में बंबई में इजलास हुआ और उन्नीस सौ सोलह में लखनऊ में और लखनऊ में पहली मरतबा हिंदुओं ने कुछ मुसलमानों के इस मुतालबे को तस्लीम किया कि इंतखबा जो है जुदागाना उसूल पर होंगी मुसलमानों को उनकी जो तादाद है आबादी की उसकी नस्पत से सीटें मिलेंगी यह जिना की बहुत बड़ी कामयाबी थी लेकिन इसके पसमंजर में नोट कीजिए एक और चीज थी बड़ी अहम सन 1918-19 से एक अजीम तहरीक हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी थी तहरीक खिलाफत क्योंकि खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए बड़ी साजिशें चल रही थी यहूदी सरगर्म थे और बरतानिया के जरिए से वो चाहते थे कि इसको जो है वो खत्म किया जाए खिलाफत को उस वक्त हिंदू मुसलमान एक हो गए थे गांधी खिलाफत की तहरीक में शरीक हुआ हालांकि कहा गांधी कहा खिलाफत क्या क्या उनमें रिश्ता क्या है लेकिन उसका अंदाजा हो गया था कि अगर हमने मुसलमानों का साथ इस वक्त नहीं दिया जबकि पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा था बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो साथ हैं तेरे शौकत अली भी जान बेटा खिलाफत पे दे दो पूरा हिंदुस्तान एक अजीम तहरीक थी इसमें कोई शक नहीं बहुत बड़ी तहरीक लिहाजा उस पस मंजर में उसी का असर में समझता हूं यह हुआ कि लखनऊ पैक्ट हुआ उन्नीस सौ में और कायदे आजम को उसमें कुछ दस सहूलत जो है वो नजर आ गई अपनी कामयाबी की शक्ल नजर आई लेकिन जैसे ही तहरीके खिलाफत खत्म हुई खत्म तो इसलिए हो गई कि मुस्तफा कमाल पाशाह ने खुद खत्म कर दी खिलाफत वो तो जैसा कि फिर अलामा इकबाल ने भी कहा था चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा सादगी अपनों की देख औरों की अयारी भी देख बारह खिलाफत खत्म हो गई तो वो सारा जोश खत्म हो गया इस लिहाज से यह है कि सूरत हाल तब्दील हो गई और अब हिंदुओं के अंदर दोबारा वो अपनी अपनी जो अशबीयत और मुसलमानों के खिलाफ उनके अंदर जो जज्बात थे वो ऊपर उभर कर आए चुनाचे उन्नीस सौ अट्ठाईस में उन्नीस सौ अट्ठाइस में नेहरू रिपोर्ट शायद हुई है जिसने के इस मामले के अंदर सारी उम्मीदें जो मुसलमानों को हो सकती थी हिंदुओं से उन सब का कला कमा कर दिया और मालूम हुआ कि हिंदू किसी दर्जे में भी मुसलमानों को कोई हैसियत देने को तैयार नहीं यह नेहरू रिपोर्ट जो है यह बहुत ही समझिए कि टर्निंग पॉइंट है इसके बाद जिना साहब ने कोशिश और की तजावीज दिल्ली कुछ और खाका दिया कि कम से कम ये मान लो वो भी रद्द कर दी गई फिर चौदह निकात दिए वो भी रद्द कर दिए गए उसका नतीजा यह निकला कि इंतहाई मायूस दिल गिरफ्तार दिल शिकस्ता होकर मोहम्मद अली जिना ने हिंदुस्तान को खैरबाद कह दिया ये नोट कीजिए उनकी जिंदगी का एक दौर यहां खत्म होता है उन्नीस में वो इंग्लिस्तान मुंतकिल हुए एक कोठी खरीदी अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी और हिंदुस्तान की सियासत से बिल्कुल किनारा कशी कर ली अब आइए जरा दूसरी तरफ दूसरी शख्सियत जो उभरी वो कौन अलामा इकबाल मैं अर्ज कर चुका हूं कि इनकी इब्तदाई तालीम में और खानदानी पश मंजर के अंदर मजहबी असरात बड़े गहरे थे बहरहाल इन्होंने एम ए किया है गालिबा अट्ठारह में और उस वक्त का कुछ इकबाल जो है उस वक्त से लेकर 1905 तक का इकबाल एक तरफ तो उसमें भी नेशनलिज्म था हिंदी नेशनलिज्म ये नोट कर लीजिए चुनाचे उसी दौर का उसका तराना है सारे जहां से अच्छा हमारा आज भी जो हिंदुस्तान का रेडियो है और हिंदुस्तान में हुकूमत के जेर एहतम इस तराने की जो है वो बड़ी सरपरस्ती होती है बहुत उसको जो है नशर किया जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त हमारा हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता हमारा बल्कि इस जमाने में एक ऐसा शेर भी उन्होंने कहा है जिसकी शरीर तरीन नफी बाद में उनके अशार से हुई है उन्होंने एक नया शवादा के नाम से जो नजम लिखी कि सच कह दू है ब्राह्मण गर तू बुराना माने तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने उसी में एक शेर है कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है इस दर्जे गहरा इंडियन नेशनलिज्म इकबाल के अंदर भी मौजूद था लेकिन जब इकबाल इंग्लिस्तान गए हैं ये 28 बरस की उम्र में इंग्लिस्तान गए हैं सन उन्नीस सौ पांच में और तीन साल वहां रहे इंग्लिस्तान और जर्मनी और बैरिस्ट्री भी की और चूंकि फलसफे थे पीएचडी भी करके आए अरसे में मालूम होता है कि इकबाल की कलब माहियत हो गई ये मेरा एक है, बड़ा पुराना है मेरा मुशाह था उन्नीस सौ सत्तर में पहली मरतबा मैं इंग्लिस्तान गया था मेरे छोटे भाई महा तालीम थे उन्होंने बुलाया था वहां मैंने देखा कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले एक एक पी एच डी दो, दो पी एच डी करते हुए लोग बैठते हैं जुमे के रोज कुरान पढ़ते हैं दर कुरान होता है और वो एक दूसरे से कुरान पढ़ते सुनते भी हैं ताकि जो तजवीज की गलतियां हों उनकी तस्ह हो सके और मैंने सोचा कि पाकिस्तान में इस सतह के लोग जो हैं कभी इस किस्म की मसरूफियत में मुबतला मुझे तो नजर नहीं आए तो उसका मुझे एक असर में तजिया मेरा यह था कि जिन लोगों की बुनियादी तरबियत में और खानदानी असरात में मजहब का एलिमेंट एलीम, मौजूद होता है चाहे वह हिंदुस्तान में रहते हुए वो ज्यादा जा, जाहिर ना हो नुमाया ना हो उसके आसार सामने ना आए लेकिन जब वो एक मुखालिफ माहौल में पहुंचते हैं उस मुखालिफ माहौल में उनके अंदर का वो चिंगारी उनकी जो है वो शोला बनकर भड़कती है चुनाचे ये मामला मैंने फिर बाद में अमेरिका में भी देखा हर जगह देखा है कि वहां दो नतीजे होते हैं या तो ये कि एक आदमी डाउन ड्रेन गया तो वहां की तहजीब में रगा गया, गया शराब और ये और वो रक्स और सब ये सारी चीजें आ गई और या फिर जो बच गया जिसके अंदर दीन का कोई कोई हमीयत का शायबा था वो फिर भड़कता है फिर वो एक्टिविस्ट होते हैं वो काम करते हैं लिहाजा ये मामला जो है इकबाल के साथ पेश आया और खुद उन्होंने कहा भी है मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने वहां से जब ये वापस आए हैं तो अब नोट कीजिए 1908 से उन्नीस तक यह जो बाईस वर्ष है इकबाल ने क्या किया नोट कीजिए वो आप जानते भी हैं मैं सिर्फ गिनवा रहा हूं इस्लाम के निजाम फिक्र और फलसफा और हिकमत को बयान किया अपनी शायरी के जरिए से भी अपनी नसर के जरिए से भी कुरान की एक नहाय जदीद और बहुत उमदा तफसीर अगरचे तफसीर के नाम से आपको कहीं तफसीर इकबाल नहीं मिलेगी लेकिन कलाम इकबाल खुद तफसीर है दावा करता है कि मेरे पैगाम में सिवाए कुरान के और कुछ नहीं है गर दिलम आई नए बेजौहर वर्फम गैर दाए नामू से फिक्रम चाकुन ई राजनाजात बजूर सरवर का नबी अल्लाह के, अल्ला के रसूल अगर मेरे पैगाम में कहीं कुरान के सिवा कोई शायद शामिल हो गई है मेरी शायरी में तो आप मेरे फिक्र का पर्दा चाक कर दीजिए रोज मैशर खाररा और, और क्यामत के दिन मुझे ज़रील और खार कीजिएगा और बेनसीब अस पाक मरा और मुझे अपनी कदम बोसी से महरूम कर दीजिएगा यह बात कह रहा है उसका दावा है उसने जो कुछ कहा कुरान से कहा उसकी शायरी जो है मेरे नजदीक और मैंने तो अपनी जो सोर्स गिनवाई हैं कि मैंने जो कुरान मजीद का फिक्र या सोच जो भी आप उसे कहें जो थोड़ा बहुत मुझे मैसर हुआ है उनमें मैंने आठ अशखास को नुमाया तौर पर बयान किया है चार ये हैं दो दो के जोड़े दो अब हैं अबुल कलाम अबुल आला अबुल आला मदूदी अबुल कलाम आजाद दो दफ्तरन है डॉक्टर इकबाल डॉक्टर रफी दो शेखन हैं, शेख हिंद मौलाना महमूद हसन जिनका तर्जुमा है कुरान मजीद का और उस पर हवाशी है शेख इस्लाम शबीर अहमद उस्मानी की दो ही एन मौलाना फराही और मौलाना इस्लाही जिन्होंने कुरान मजीद के मजामीन के अंदर जो अंदरूनी नज्म है उसे वाज किया इकबाल मेरी एक बहुत बड़ी सोर्स है बल्कि सबसे ज्यादा गहरा असर मुझ पर जो है बचपन से जो हुआ है वह तोाबाल का है पांचवी जमात का तारब इम था जब उनका यह शेर मेरे जहन में कहीं चिपक कर रह गया है जवाब शिकवा का वो जमाने में मुआजत से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीख कुरा होकर फिर अमामा इकबाल ने मगरबी फिक्र पर शदीद तनकीद की बहुत बड़ा नाकद और खास तौर पर मगरबी तहजीब जो है उसकी नफी की यह सारा काम किया और इस सबसे बढ़कर वो तजदीद मिल्ल इस्लामी का आलमबरदार बरकत सामने आया उसने खुशखबरी दी कि दुनिया में इस्लाम के गलबे का दौर आना आने वाला है मिलत इस्लामिया जो इस वक्त दबी हुई है पिसी हुई है पूरी दुनिया में पामाल है आपको मालूम है कि पहली जंग अजीम के बाद क्या सूरत हो गई थी सल्तनत उस्मानिया के जब धज्जियां बखेर दी गई और कॉलोनियल इंपीरियलिज्म जो है पूरे आलम इस्लाम पर हुक्मरान था पूरा आलम इस्लाम जो है महकूब अगर चाहिए दबे हुए हैं पिसे हुए हैं गिरे हुए लेकिन इनका दोबारा गलबा होगा ये उभरेंगे मिल्लत इस्लामिया की तजदीद होगी इस्लाम की नशत इसानिया होगी इस्लाम के रोशन मुस्तबिल के मुबर बनकर अल्लाह इकबाल सामने आए और एक और जो बहुत बड़ा काम किया वो वही वतनी कौमीत की शदीद नफी बल्कि शदीद का भी काफी नहीं है शदीद तरीन नफी की है इसलिए कि उस इस वक्त वतनी कौमीत जो है उस वक्त मुसलमानों को अपने अंदर एनगल्फ करने के लिए पूरी कुवत के साथ जोर लगा रही थी मैंने अल्लामा इकबाल के हवाले से जो बातें की हैं कि किया फिक्र इस्लामी और तजदीद मिलत इस्लामी उसके साथ साथ हिंदुओं में क्या हो रहा था इस दौर में उनके यहां भी उनकी मजहबी तजदीद का अमल बड़ी शिद्दत के साथ शुरू हुआ इसमें भी चंद नामों का मैं तस्करा करना चाहूंगा बंकम चैटर्जी इसने बंदे मातरम का ये जो तराना है आज भी भारत के अंदर मजबूर किया जा रहा है मुसलमानों को भी कि वो भी स्कूलों के अंदर ये तराना पढ़े और अभी मुसलमान रजिस्ट कर रहे हैं इसमें वो जमीन की बंदगी भारत माता हम तेरे बंदे हैं और ये जो है हिंदू रिनाइसेंस का एक बहुत बड़ा जो है यूं समझिए फिर दूसरी शख्सियत सामने आई राजा राम मोहन यह शख्स बहुत बड़ा फाजिल बड़ा आलिम। दस के करीब जब जबाने जो है उनका माहिर जिसमें यूरोपियंस भी और ईस्टर्न भी फिर यह कि यह मुसलमानों का हमदर्द बनकर आया अंग्रेज ने जब यहां पर उनके पादरियों ने तसलीस की तलकीन शुरू की है तो आईना तोहहीद के नाम से इसने किताब लिखा उसकी नफी के लिए इस हवाले से यह कुछ ऐसी शख्सियत बनने की कोशिश कर रहा था कि मुसलमान भी उसको कबूल करें और उसके बाद फिर उसने ब्रह्म समाज के नाम से एक इदारा कायम किया यह वही था कि जो इससे पहले अकबर ने जो फलसफा दिया था दीन इलाही अल्लाह का मामला करो सिर्फ अल्लाह को सब मानते हैं सिर्फ नाम है मुख्तलिफ है किसी ने कोई नाम रख दिया कोई महादेव कहता है कोई कुछ कहता है कोई गॉड कहता है सब खुदा को तो सब मानते हैं ये जो रिसालत का मामला है और शरीयत का मामला है ये फसाद की जड़ है रिसालत की बुनियाद पर शरीयतें मुख्तलिफ इबादतें मुख्तलि जरा इसको पीछे डालो तो दीन अकबर या दीन इलाही उसका नाम था उसके अंदर भी दर हकीकत कोशिश ये थी कि तमाम मजाहिब को एक हवन दस्ते में डाल के और उसको कोट के और छान पीस के एक सफू बनाकर एक कॉमन मसहब हिंदुस्तान का वजूद मनाया जाए वक्त अल्लाह ने खड़ा किया है हजरत मुजदलानी रहमत को कि जिन्होंने इस फितने की सरको भी की इसने भी मजलिस एस डी के नाम से ऐसा ही दारा शुरू किया और यह गोया कि ठंडी छुरी के माने इसलिए कि इस्लाम का दारो मदात सालत पर है बकौल इकबाल ब मुस्तफा में रसाषरा के दिन हम अगर बऊल रसीदी तमाम मूल हबीस्त इस्लाम का तो सारा मामला दीन जो है उसका सारा जो मदार दारो मदार है वो रिसालत पर है नबूवत पर है उसी पर शरीयत का सारा दारो मदार है रिसालत से काट दीजिए हदीस से काट दीजिए सुन्नत से काट दीजिए तो फिर कुरान को फिर मोम की नाक बनाकर जो चाहे आप ताबीर कर लें जो चाहे तशरी कर ले, ले। जिधर चाहें उसे मोम की नाक की तरह बोर्ड कर दे जाए बहरहाल इस मामले में भी फिर एक तीसरी तहरीक जो शुरू हुई वो बहुत मिलिटेंट थी आर्या समाज दयानंद सरस्वती ने यह मिलिटेंट थी और बड़ी इस हिंदू माशरे में इन्होंने खुलकर यह कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है यहां मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं लिहाजा या हिंदू हो जाए मुसलमान और या फिर यहां से हिजरत कर जाए खुलकर आर्या समाज उसी के तहत फिर महासभा बनी उसी के तहत आरएसएस एस इंतहा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हिंदुओं की ये सब जो है दयानंद सरस्वती का ये इसी तरीके से फिर शुद्धि की तहरीक शुरू हो चुकी थी रिक्लेम करो मुसलमानों को यह हम में से थे इनके आबाव इदाद कहीं जो है मुसलमान हो गए ने वापस लो चुनाते राजस्थान के इलाके में जहां बड़ी जहादत थी मुसलमानों में इल्म नहीं था बस कहीं बुजुर्गों के किसी जेर असर फैज से किसी सूफी के वो इस्लाम तो ले आए लेकिन तरबियत का कोई इंतज़ाम हुआ ही नहीं मुसलमान हुकूमतों तो ने किया ही नहीं कुछ भी नहीं किया तो नतीजा ये निकला कि बड़े पैमाने पर शुद् की तहरीक हो रही थी मेवात के इलाके में बड़ी तेजी के साथ मुसलमान जो मेव थे वो हिंदू हो रहे थे उसी पर तहरीक उठाई है मौलाना इलियास रहमत ला ने उनको उनका मुकाबला करने के लिए उस तहरीक का उस शुदी की तहरीक का मुकाबला करने के लिए ये तबलीगी जमात का निजाम बनाया था कि बस छह बातें लो और जाओ देहात में जाओ चने लेकर गुड़ गुड़ लेकर जाओ किसी का खाना ना खाओ अपना खाना खाओ कोई तनख्वाह नहीं और दिन की तबलीग करो ये निजाम उनका हकीकत इसी शुदी की तहरीक के जवाब में शुरू हुआ फिर संगठन की तहरीक शुरू हुई कि हिंदुओं को सबको जमा कर दिया जाए अब इस एतबार से जरा नोट कीजिएा इकबाल ने जो नफी फिर वतनीयत की की है इतफाक से यहां ये यह अशार लिखे हुए हैं इस दौर में मैं और है जाम और है जम और साकी ने बिना की रवि लुत्फो सितम और तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। अब अफला कलम माहियत का अंदाजा कीजिए वो ईश्वर जो कह रहा था कि खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है वो आज इस वतन को एक सबसे बड़ा बुत करार देकर और उसका कला कमा करने के लिए किसका जोरदार अल्फाज जो है और यही दूसरी तरफ ये बुत कि तराशी नहजीब नवी है यह जो नेशन स्टेट का तस्वुर है यह अट्ठारवीं सदी से यूरोप में शुरू हुआ नेशनल स्टेट एक मुल्क में रहने वाले सब शहरी हैं बराबर हैं और उनके अंदर मजहब का अख्तिलाफ हो ये उसका कोई हैसियत नहीं मजहब तो प्राइवेट मामला है हाँ जो सरकारी सतह पर होगा मामला इज्तमाही मामला जो है वो किसी मजल से तय नहीं होंगे यह नेशन स्टेट का तस्वूर ये बुद्ध के तराशीद तहजीब नबी है गारतग गे काशान दीन नबी है बाजू तेरा की कीत से कवि है इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफवी है न जारा देरी न जमाने को दिखा दे ऐ मुस्तफवी खाक में इस बुद्ध को मिला था इससे भी ज्यादा मुझे मिला है एक उनके अश्व कखता जो है मंजिले राह रवा दूर भी दुशवार भी है कोई इस काफले में काफ़ला सालार भी है बढ़ के खैबर से है ये मारका दीनो वतन खैबर गजवा खैबर गजवा खैबर से कहीं बढ़कर ये दीनो वतन का मारका कि हमारे नजदीक हमारी कौमियत की बुनियाद हमारा दीन है आज दुनिया ये कहती है कि कौमियत की बुनियाद वतन है ये जो मारका दीनो वतन है बढ़ के खैबर से है ये मारका दीनो वतन इस जमाने में कोई है करार भी है तो वाक ये है कि किबाल ने इस सिलसिले में वो रोल भी प्ले किया जो हजरत मुजदिलफिस रहमत ला ने दीन अकबरी का कला कबा करने में अदा किया था और इसमें कोई शक नहीं है इस एतबार से मैं कहा करता हूं कि हजरत मुजदानी के बरूस की हैसियत रखते हैं इकबाल और उनको जो गहरी नस्बत थी हाजिर हुआ मैं शेख मुजद की लहत पर वो खाक के है जेर फलक मतलब अनुवार गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे जिसके गर, नफस गर्म से है गर्मी अहरार वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगह माँ वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगह माँ का सरमाया तो सारा का सारा जो है ईमान पर रिसालत से आप हजरत मुजदानी के खतूत पढ़िए सबसे ज्यादा जोर इताते रसूल इताते रसूल इताते रसूल इतात रसूल जिसकी जड़ काटने की कोशिश की थी दीन इलाही के जरिए से अकबर ने उसको दोबारा मुस्तकम किया है वो वह रहमतुल्लाह ने अब आइए उन्नीस सौ तीस का माह दिसंबर इसमें एक बात हम देख चुके मोहम्मद अली जिना पाकिस्तान हिंदुस्तान की सियासत से मायूस होकर मुल्क छोड़कर इंग्लिस्तान में जाकर आबाद हो चुके और इस दिन में एक वाक्य मैं आपको सुना दूं एस एम इक्राम साहब का नाम बहुत से हजरात के इल्म में होगा उनकी तीन किताबें जो है बड़ी मार्केतों ला रहा है आब कौसर मौजे कौसर रोज कौशर इदारा सकाफत इस्लामिया के डायरेक्टर रहे बहुत अरसे तक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे वो ऑक्सफर्ड में पढ़ते थे उस जमाने में वो लंदन गए उन्होंने मोहम्मद अली जिना साहब से मुलाकात की और कहा कि आप क्यों छोड़कर आ गए हिंदुस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपकी रहनुमाई की जरूरत है तो जवाब जो था मोहम्मद अली जिना का वो नोट करने के काबिल है हिंदूज आर इनकोरिजिबल ये है जो नतीजा निकाला था मोहम्मद अली जिना ने यूं समझिए कि 24 बरस की मेहनत का कि कोई इतहाद का फार्मूला तय हो जाए कोई बुनियाद हो जाए कोई हमारे माबन मुतफ़ल स्कीम बन जाए लेकिन जिस दर्जे मायूस हुआ है शख्स इनकोरेजिबल ये नाकाबिल इस्लाह है और मुसलमानों का हाल यह है कि उनका एक लीडर जो बात मुझसे करता है सुबह को व शाम को डिप्टी कमिश्नर को बता देता है तो अब मैं ऐसी कौम की रहनुमाई कैसे करूं तो ये मैंने आपको ये यह भी सुना दिया कि वो मायूसी का आलम क्या था लेकिन अब जो है 1930 में जबकि मुस्लिम इंडिया का एक सूरज तो गुरूब हो गया था मगरिब में जाकर बैठ गया मगरिब में सूरज गुरूब होता है एम ए जिना तो वहां बैठ गए एक सूरज अब तुलू हुआ है मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर यह है अलामा इकबाल उन्नीस सौ तीस का जो उनका खुतबा है अलाहाबाद का वह बहुत अहम बहुत अहम बहुत अहम एक तो यह कि उन्होंने अपनी शायरी के जरिए से वतनीयत की जो नफी की थी और मुस्लिम कौमियत का जो इस बात किया था उसे एक फलसफियाना अंदाज में सोशलोजी उमरानियात के मुसलमा उसूलों की रोशनी में जिस तरीके से मुद्दल बयान किया है इस एतबार से वो एक बहुत कीमती दस्तावेज है लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक तजवीज पेश की वो तो और यूं भी कही है कि एक पेशनगोई की वो को ये थी कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरब में एक मुसलमान रियासत कायम होगी और फिर यह भी कहा मैं मुतालबा करता हूं कि वह कायम हो इसमें बाद लोग जो है इस पर यह तनकीद करते हैं कि अलामा इकबाल ने तो यह कहा था आई वुड लाइक टू सी दी पंजाब द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध एंड बलोचिस्तान एमल गमेटेड इन टू ए सिंगल स्टेट सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर फॉर्मेशन ऑफ ए कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट अपीयर्स टू मी टू बी फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम एट लीस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इसमें एतराज यह किया जाता है कि अलामा इकबाल ने तो हिंदुस्तान के अंदर बर्तानिया के हुकूमत के अंदर के लिए तजवीज दी थी लेकिन ये बात गलत है असल में नोट ये कीजिए कि 1930 तक तो इसका कोई इम्कान ही नजर नहीं आता था कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चला जाएगा तो उस वक्त के लिए उनकी तजवीज यह थी कि हिंदुस्तान में एक सूबा बना दिया जाए ये आज का पाकिस्तान या यूं समझिए कि जो कुछ अरसे पहले वन यूनिट बना था ब्रिटिश इंडिया में भी ये वन यूनिट की हैसियत से एक स्टेट बन जाए ताकि इस इलाके में मुसलमानों के अंदर जो कुछ कौमियती कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क है कल्चर का फर्क है कुछ इन तरह की चीजें जबानों का फर्क है तो यह जो है मिलजुल कर इनके अंदर एक कौम का तस्वुर जो है बाकायदा पैदा हो जाए इसीलिए वो कहते हैं आई डिमांड फॉर्मेशन ऑफ ए कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इस्लाम अब इसमें वो बात यह कहते हैं कि फॉर इस्लाम इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू रीड इट सेल्फ ऑफ द स्टैम्प दैट अरेबियन इम्पीरियलिज्मो टू गिव इट टू मोबिलाइज इट्स लॉस इट्स एजुकेशन इट्स कल्चर एंड टू ब्रिंक दम इन टू क्लोजर कॉन्टेक्ट विद इट्स ओन ओरिजिनल स्पिरिट एंड विद स्पिरिट ऑफ द मॉडर्न टाइम वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया एक तो यह कि डेस्टनी है होगा रहेगा शिमाल मगरबी हिंद के अंदर एक मुसलमान रियासत कायम होकर रहेगी अब यह प्रोफेसी भी थी पेशन गोई और यह भी कि मैं मुतालबा करता हूँ एक तजवीज़ भी थी लेकिन उसका जो असल है जो मेरे नजदीक जो इनकलाबी हिस्सा है जहां तक हिंदुस्तान की जो तकसीम का मामला है यह और भी बहुत से लोगों की तरफ से ये बातें आती रही थी मेरे पास यहाँ पे चौदह नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम का तस्करा किया लेकिन जिस अंदाज में जिस प्लेटफॉर्म पर ऑल मुस्... इंडिया मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन है और उसमें सदर की हैसियत से खुतबा दे रहा एक शख्स तो यह हैसियत जो है यह बहुत नुबाया और उसमें जिस अंदाज में बात कही गई है उसमें जो एक पॉजिटिव अंसर है अगर ऐसा हो गया एक नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में मुसलमान रियासत कायम हो गई तो हमें एक मौका मिल जाएगा कि अरब इंपीरियलिज्म नोट कीजिए अरब इंपीरियलिज्म से मुराद क्या है अरबों का दौरे मलुकियत उससे पहला क्या था खिलाफत खिलाफत राष्ट्र असल इस्लाम दौरे बनो मैया तो असल इस्लाम नहीं था हुकूमती सतह पर तो बिल्कुल इस्लाम नहीं था वही वही दौर है जिसमें कि सानह करबला हुआ है वाक़ हर्रा हुआ है जुल्म की इंतहा हुई है सैकड़ों ताबेन को हजाजब यूसुफ ने शहीद किया है इसको हदीस के अंदर भी कहा गया है मुल्कन आन काट खाने वाली मलुकियत उसके बाद जो है दौड़ आया है बनू अब्बास का वह महल बने हैं शानदार जो है जो भी बादशाहों के यहाँ होता था वो सारा का सारा मामला आया है तो अब दुनिया इस्लाम को इनके आईने में देखती है वो समझती है ये इस्लाम है लिहाजा इसमें तो कोई शह ऐसी नहीं है जो अट्रैक्ट कर सके जो किसी कौम को इस्लाम की तरफ जो है वो खेल सके तो ये जो इंप्रेशन है जो कि इस दौरे मुल्क की अरब इम्पीरियर का इस्तेमाल किया है इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग और धब्बे आ गए हैं हटाकर वो जो इसकी ओरिजिनल प्योरिटी है और जाहिर बात है कि दौरे बलुकीत से पहले खिलाफत रास्ता तो गोया के नाम खिलाफत रास्ता का नहीं लिया गया है लेकिन यह है कि बात मुराद वही है लेकिन और उसमें भी जो बड़ी हकीबाना बात ओरिजिनल स्पिरिट जो असल इस्लाम की असल रूह है एंड स्पिरिट ऑफ दाइम्स इस जमाने के जो तक उनके मुताबिक इश्हाद के दरवाजे को खोलकर और हम एक ऐसा निजाम जो है वो यहां पर कायम करें यह है वो चीज कि जिसने तहरीक मुस्लिम लीग के अंदर एक मुस्मत जज्बा ये नोट कर लीजिए मेरे अल्फाज उन्नीस सौ छह से लेकर उन्नीस सौ तीस तक मुस्लिम लीग सिर्फ एक मनफी मोटिव पर चल रही थी मनफी नेगेटिव खौफ हिंदू का खौफ हिंदू दबा लेगा हिंदू एक्सप्लाइट करेगा हिंदू माशी तौर पर भी तहजीबी तौर पर भी सकाफती तौर पर भी मजहबी तौर पर भी शुद्धि की तहरीक चल रही है हमें रास्ता दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान छोड़ दो और भाग जाओ चले जाओ ये सारा खौफ का उनसर था और इसमें तहफात तलाश करने कोई ऐसी यकीन दहंगियाँ के वो मुसलमानों के हालात बेहतर हो जाए इसके अलावा कोई और मोटिव नहीं था यह मनफी मोटिव था और इसकी वजह साथ ही यह है कि मुस्लिम लीग उस वक्त तक कोई अवामी जमात थी ही नहीं बल्कि कुछ खवास ऊंचे लोग नवाबों और नवाबजादों और इन ऐसे लोगों की जो है ये एक जमात थी लेकिन सनतीस में जो ये इंजेक्शन लगा है ये पॉजिटिव है इसकी मिसाल मैं दिया करता हूँ कि कोई मरीज पड़ा हुआ अपने बेड पर और ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है और एक ट्यूब चल रही है तो उसके अंदर ही कोई अब इंजेक्शन लगाना है तो उस ट्यूब में लगा देते हैं ऐसा ना हो कि कोई और प्रिक देनी पड़े मरीज को और उसे तकलीफ हो तो गोया के मुस्लिम लीग का जो भी वो एक निजाम था उसमें एक इंजेक्शन लगाया है अलामा इकबाल ने उन्नीस सौ तीस के खुतबे में अगली बात इसके बाद यही इंजेक्शन अलामा इकबाल ने लंदन में मिस्टर मोहम्मद अली जिना के जहनो फिक्र में लगाया है उसका वाक्य क्या है तीन कॉन्फ्रेंसें हुई थी पहली और दूसरी में मोहम्मद अली जिनाबी शरीक थे तीसरी उन्नीस में हुई अब शरीक नहीं हुए इसलिए कि वो सियासत छोड़ चुके थे वो तो सियासत को खैर बात कहकर अब प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन इकबाल उसमें गए थे वहां मौका मिला करीबी मुलाकातें हुई गुफ्तुएं हुई और इन मुलाकातों के नतीजे में यही इंजेक्शन अल्लामा इकबाल ने मोहम्मद अली जिना के जहन और फिक्र के अंदर लगाया है कि बात करो इस्लाम के अहिया की वो चीज़ के जो मुसलमानों के जज्बात के अंदर गर्मी पैदा करे हरारत पैदा करे इस हवाले से ये जो इंजेक्शन लगाया गया है इसके इसी से फिर ये कि उनके मिजाज के अंदर एक तब्दीली आई कुछ और लोगों ने भी उन्हें कहा हुआ था लेकिन यह कि खास तौर पर यह बात इकबाल की थी जिसकी अपनी एक हैसियत थी बहरहाल उन्नीस में एम ए जिनाह वापस आ गए फिर उन्होंने मुस्लिम लीग का ता हयात सदर बना दिया गया फिर उन्होंने मुस्लिम लीग को संभाला जरा लेकिन 1936 के इलेक्शन जो आए यहां पर उसमें कांग्रेस पूरी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत गई अभी अभी मोहम्मद अली जिना को मौका मिला ही नहीं था कि अभी मुस्लिम लीग को संभाल सकते और इन जो वजारतें बनी थी उस दौर में कांग्रेस की उन्होंने जो सलूक मुसलमानों के साथ किया जो मजालिम ढाए जो उन्हें दबाया और उनके हकूक को पामाल किया उससे वो नेगेटिव मन जो, जो एक मोटिव था वो भी और तभी हो गया और इसके बाद फिर मोहम्मद अली जिना ने उन्नीस से लेकर उन्नीस तक एक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आप घबराना जाए 1937 से 1947 तक इस्लाम की कव्वाली गाई पूरे दस बरस इस्लाम 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 हमें इस्लाम चाहिए इस्लामी तहजीब हम चाहते हैं इस्लामी कानून हम चाहते हैं हमारे कवानीन और हैं हमारा मजहब मजहब नहीं है वो दीन है वो जिंदगी के तमाम मामला पर ये जो है मैं कव्वाली इसलिए कह रहा हूं कि कव्वाली में तकरार होती है जिस तकरार के साथ ये अब अब इस मौके पर आकर मोहम्मद अली जना कायदे आजम बन गए मुसलमानों के दिलों की बात इकबाल ने जो वलवला पैदा कर दिया था एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को लाहौर से ता खा के बखारा और समरकंद वो जो वलवला था जो गलगला था अब मोहम्मद अली जिना की जबान से जब वो बात आई है तो ये मुसलमानों के दिल की आवाज थी उनकी रूह की पुकार थी लिहाजा अब मुस्लिम लीग एक अवामी जमात बनी और मोहम्मद अली जिना अब कायद आजम करार पाए अब इस मामले में मैं चाहता हूं जरा क्योंकि ये बात नई सी होगी मेरे इस तजिए के रूप से नजरिया है पाकिस्तान इस्लाम और इस्लाम का एहिया खिलाफत राश्ता के मफह में और इसका खालिद इकबाल है इसमें कोई शक नहीं कायद आजम तक भी ये बात पहुँचाने वाला इकबाल है और फिर उसी पर कायद आजम ने अमल किया है तो इस चीज को बहुत से लोग जो है आसानी के साथ तस्लीम नहीं करेंगे लेकिन मैं ये चाहता हूं कि खुद कायद आजम ने अलामा इकबाल के बारे में जो कुछ कहा है उसकी दो कोटेशन आपके सामने रख दू कलकत्ता इक्कीस अप्रैल इक्कीस अप्रैल उन्नीस सौ अड़तीस को अलामा इकबाल का इंतकाल हुआ उस वक्त कलकत्ते में एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था फिलस्तीन के मसले पर गौर करने के लिए कायद आजम उसके चीफ मुकर थे A mammoth public meeting of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem. But it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. Ayamajina said. That the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers, and seers of humanity of all times. Note Kije. One of the greatest poets, philosophers, and seers. जिनको के मुस्तबिल को को देखने की सलाहियत होती है जिनकी निगाह गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद जिसके बिना पर आब रवान कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और जमाने के खाब यह अलामा इकबाल ने जो कुछ देखा था इस्लाम के मुस्तबिल के बारे में ही टूक ए प्रोमोनेंट पार्ट इन दॉलिटिक्स ऑफ कंट्री and in the intellectual and cultural reconstruction of the islamic world. Contribution, his contribution to the literature and thought of the world will live forever. to me, he was a personal friend, number one. philosopher, number two. and guide, number three. and as such, the main source of my inspiration and spiritual support. कोई शक इसके बाद रह जाता और ये अल्फाज कौन कह रहा है ये मोहम्मद अली जिन्ना है लफास आदमी नहीं है वो वो कोई शोला बयान खतीब जो अल्फाज जो है उसके अब्बार लगा दे नहीं जो एक एक लफ्स वकील बहुत बड़ा वकील एक एक लफ्स जो है तोल कर बोलने वाला उन्हें क्या करार दिया था तो खुद तस्लीम किया दूसरा मैं और दे रहा हूं यह सन चालीस में इकबाल डे मनाया गया था अब इसमें क्या कहते हैं कायदे आजम इफ आई लिव टू सी द आइडियल ऑफ ए मुस्लिम स्टेट बीग अचीव इन इंडिया एंड आई वर देन ऑफर्ड टू मेक ए चॉइस बिटवीन दर्कस ऑफ इकबाल एंड द रूलरशिप ऑफ द मुस्लिम स्टेट आई वुड प्रेफर द अगर हम कामयाब हो जाते हैं कि इस्लामी रियासत कायम करने में मुसलमान रियासत कायम करने में और उसके बाद मेरे सामने चॉइस रखा जाता है या तो अलामा इकबाल का कलाम ले लो और या हुकूमत के सरबरा बन जाओ तो मैं अल्लामा इकबाल के कलाम को तरजीह दूंगा और सुनिए कंटिन्यूइंग मिस्टर जिना सेड दैट इन अप्रैल 1936 ही थॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मुस्लिम लीग व्हिच वॉज देन ओनली एन अकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन टू ए पार्लियामेंट ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट टाइम टू दिस लाइफ

बहरहाल ये वो मामला था कि जब कायद आजम ने इस्लाम का जो है राग अलापा है या कवाली गाई है तो अब इसके नतीजे में जैसे कवाली में होता है कौम को हाल आ गया आप जरा सोचिए मुस्लिम लीग को माइनॉरिटी प्राउंसिस के लोगों ने क्यों वोट दिए थे क्या यूपी कभी पाकिस्तान में आ सकता था क्या मद्रास कभी पाकिस्तान में आ सकता था क्या बॉम्बे पाकिस्तान में आ सकता था क्या सीबी पाकिस्तान में आ सकता था फिर जरा सोचिए अकल के खिलाफ बात नजर आती है ये हाल में आने वाले का मामला है जहां जज्बात की जो है वो हुक्मरानी हो जाती है अकल एक तरफ रह जाती है वरना क्या बात है उनके तो इस्ला पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता था फिर मुस्लिम लीग को वोट दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए वोट दे रहे हैं पाकिस्तान का रेजोल्यूशन सन्तालीस में हो चुका है और छियालीस के इलेक्शन में मुस्लिम लीग कामयाब होती है पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में द मेजोरिटी प्रोविंसेस एज वेल एज माइनॉरिटी प्रोविंसिस जिसमें कि मुस्लिम लीग को जो है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होने की जो है एक हैसियत हासिल हो जाती है लेकिन इसी दौरान में जाहिर बात है एक तो ये नोट कीजिए कि जो दुआएं मांगी गई हैं लोग कह देते हैं ये तो कुछ बच्चों ने नारा बना लिया था पाकिस्तान का मतलब क्या ला ये कोई सीरियस बात नहीं थी बहरहाल बच्चों ने बनाया हो लेकिन मुसलमान ने हिंद के दिल की आवाज बना था मैं तो खुद उनमें से हूं जिन्होंने वो नारे लगाए मैं उस हाई स्कूल के ताल की हैसियत से जिला इस मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी था और हमने जलसों में जुलूसों में जो नारे लगाए हैं फिर यह कि जुमे के इज्तम में की गिड़ गिड़ा गिड़ गिड़ा कर जो अल्लाह ताला से दुआएं मांगी है हिंदू की दोहरी गुलामी से निजात दे दे हम तेरे दीन का बोलबाला करेंगे तेरे नबी और ये अगर पैगाम ना होता तो पूरे हिंदुस्तान 1946 के मुसलमान उन्नीस सौ छियालीस के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को वोट न देते लिहाजा इस एतबार से यही फैसला कुन यही नजरिया है पाकिस्तान फैसला कुन बुनियाद बना है पाकिस्तान की लेकिन यह भी सोच लीजिए इसी जमाने में जाहिर बात है कि अब हिंदू मुस्लिम कशाकश जो है वो भी इंतहा को पहुंच गई वो सारे जो मैं गिन चुका हूं पिछला पसमंजर फिर हिंदुओं में जो अहिया हुआ मजहब का उनकी तहजीब का और उसके अंदर जो मिलिटेंसी आई है लेकिन अब क्या हुआ हिंदू के लिए भारत माता यहाज मुकदस तस्वुर है भारत माता के टुकड़े चाहते हैं ये।, ये भारत माता को टुकड़े करना चाहते हैं अब जो दुश्मनी आई है उस दुश्मनी का कोई जहूर हुआ है फिर पार्टीशन के वक्त जो हुए हैं जो कत्ले आम हुए हैं जो इंसान जो है भेड़ियों से ज्यादा बढ़कर जो है शफाक बना है जब छोटे छोटे बच्चों को उछालकर नेदों में उनको पिरो गया है जब लाखों औरतों की जो है वो इसमत दरी हुई है अगुवा हुआ, 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 हुआ है लाखों आदमी कत्ल हुए हैं एक करोड़ इंसान इधर से उधर उधर से इधर इतना बड़ा ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन तारीख इंसानी में कभी नहीं हुआ ये सारी चीजें हुई है इसलिए कि अब वो हिंदू मुस्लिम इशू जो है वो इंतहाई वो तलखी को पहुंच चुका था उसके हवाले से मैं इकबाल की एक कोटेशन और आपको सुना रहा हूं ये अट्ठारह जनवरी उन्नीस सौ छियालीस के सिविल एंड मिलिट्री गजट में शायद हुआ एक जलसा हुआ लाहौर में इस्लामिया कॉलेज में हबीबिया हॉल में मुसलमान खातन का वहां जो कायदेम ने अल्फाज कहे हैं ये फिर मैं कह रहा हूं जरा नोट कीजिए ये किसी खतीब और किसी शोला बयान मुकर के अल्फाज नहीं है ये कायदे आजम के अल्फाज है इफ वी इफ वी डू नॉट सक्सीड इन अवर स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान सन छियालीस की बात हो रही है पचास साल पहले गोट कर लीजिए इफ वी डू नॉट सक्सीड इन आवर स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान द वेरी ट्रेस ऑफ मुस्लिम एंड इस्लाम विल बी ऑबलिटरेटेड फ्रॉम दी फेट फ्रॉम दफ इंडिया अगर पाकिस्तान कायम न हुआ तो इस्लाम का और मुसलमानों का नामो निशान हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा और यह बात अनहोनी नहीं थी यह बिल्कुल यू समझिए कि एक्शन रिप्ले होता हस्पानिया का वहां भी आठ सौ बरस हुकूमत की थी फिर वह वक्त आया है पंद्रहवीं सदी के आखिर में और सोलहवीं सदी के शुरू में एक बच्चा तक बाकी नहीं रहा या सारे कत्ल या जिंदा जला दिए गए या उन्हें भर भर कर जहाजों के अंदर और मेडिट्रेनियन क्या है वहां खास तौर तो पर स्पेन के और शिमाली जो वो साहिल है अफ्रीका का उसमें कितना फासला है जहाजों में भर भर के शिमाली जो साहिल था उस पर डंप किया गया कोई एक बच्चा तक नहीं वहां बचा जहां 800 सौ बरस तक हुकूमत की थी जहां अगरनाता के महल अब भी काबिल दीद हैं जाकर लोग सयाहत सियाहत करते हैं और देखते हैं मस्जिद करतबा अब भी काबिले दिए थे और वहां तहजीब आठ सौ बरस तक मुसलमानों की हस्पानिया तो खून मुसलमान का अमीर है मानदे हरम पाक है तू मेरी नजर में वही मामला हिंदुस्तान में हो सकता था ये कायदे आजम के अल्फाज हैं और मैं उनकी तइद करता हूं इसलिए कि हिंदू मिलिटेंसी जिस हद तक पहुंच चुकी थी और हिंदू के जज्बा जिस शिद्दत को पहुंच गए थे उसके बाद ये कोई अनहोनी बात नहीं थी लेकिन अब इसमें मैं जो बात कह रहा चाह रहा हूं गौर से सुनिए यह मामला असल में हुआ है डिवाइन इंटरवेंशन से अल्लाह ताला की हमत अमली अल्लाह की मशीयत अल्लाह की तदबीर से और उसकी वजह क्या है अल्लाह ताला का यह कानून है कि अगर कोई कौम अल्लाह से वादा करे कि अल्लाह हमें आजादी दे हम तेरे दीन का बोलबाला करेंगे अल्लाह उसे आजादी देता है और आजमाता है मैंने इस वक्त आज जो शुरू में दो आयात पढ़ी थी वो मुस्लिम लीग की तहरीक और तहरीके पाकिस्तान पर बहुत मुंतबिक होती हैं अनफाल की आयत है बस करु इज तुम कलील उन याद करो जबकि तुम अकलीत में थे थोड़े थे तादाद कम थी वो जो खौफ का एलिमेंट था बस करूजन तुम कलील उन मुस्तून अर्द तुम्हें जमीन में दबा दिया गया था हिंदू डोमिनेट कर रहा था तुम्हें खौफ लाहिब था और वो ये अल्फाज में बीच में ऐड कर रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान इसी तरह आजाद हो गया वन मैन वन वोट से तो तुम्हें तो खत्म कर देंगे तुम्हें उचक कर ले जाएंगे लोग खत्म कर देंगे फावाकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें पनाह दी वाह रही और तुम्हारी मदद की अपनी नुसरत से पर रजा का बात लाल तस्करून और तुम्हें अपनी पाकिजा के जरिए से तुम्हारी इमदाद की ताकि तुम शुक्र करो शुक्र क्या था अब वो दीन कायम करो जिसका वादा किया था जिसके लिए दुआएं की थी वो दिन कायम करो लेकिन उसके साथ ही मैंने आपको आयत सुना दी ये शुर आराफ की है इसमें यह है कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा से शिकायत की थी मूसा तुम्हारे आने से पहले भी हम पर ये फिरौनी जो है जुर्म ढा रहे थे और तुम्हारे आने के बाद भी हमारी तकदीर में तो कोई तब्दीली नहीं हुई तो हजरत मूसा ने जवाब दिया असार रब्बों को मैं यू लेकर आदम करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे ये हलाक कर दे जान लीजिए हिंदू की हलाकत थी महात्मा गांधी चंद महीने पहले कह चुका था कि पाकिस्तान सिर्फ मेरी लाश पर बन सकता है और पाकिस्तान बना और कीजिए जरा पाकिस्तान कैसे बन गया मेरी किताब का हवाला दिया था माकिब सईद ने इस में पाकिस्तान मैंने उसमें शाय किया ये मौजूदा था कोई किसी हिसाब किताब में आना वाला नहीं है कहां मुसलमान कौम कहां अददी एतबार से तीन गुना हिंदू वो तालीम में आगे तंजीम में आगे हर पैसे में आगे वो तजारत में आगे सनत में आगे और फिर इसके बाद नंबर दो मुसलमानों के निहायत मु हल्के पाकिस्तान के खिलाफ अबुल कलाम अब आजाद अब जैसा जीनियस वो ब्रह्मू समाज के जरिए असर आ गया और गांधी गांधी जो है वो खुद कहता था कि मैं राजा राम राजा राम मोहन राय का मैं जो चेला हूं वह मेरा गुरु है और मौलाना अबुल कलाम अब आजाद अब भी उसी के शहर से मुतासर हुए वो कौमियत और मौलाना हुसैनमदनी रहमतल्ला है और उनके साथ ओलाबाद जो हिंदुस्तान के थे हिंद बहुत बड़ी जमात थी बहुत बड़ी ताकत थी पाकिस्तान के डेड अगेंस्ट वो तो आपने सरोज बर सदे के बेखबर अजमान अगर बहु नसीदी तमाम बोल हा के कदमों तक नहीं पहुंचोगे तो फिर देखो तुम दीन तो नाम है मुस्तफा का ये फिर बाकी सारी बू रह है इस हवाले से फिर नोट कीजिए कांग्रेस कांग्रेस के साथ जमीतुलमा हिंद पंजाब में अहरार एक बहुत बड़ी ताकत है अवामी ताकत जैसे मुक्रीन और खतीब उसने पैदा किए कोई किसी ने पैदा नहीं किया आज तक वो डेड अगेंस्ट पाकिस्तान के सरहद में जो सरहदी गांधी की तहरीक थी खुदाई खिदमतगार निवाही तेरी पाकिस्तान की दुश्मन सब कुछ फिर पाकिस्तान बन गया कैसे बन गया सबसे बढ़कर इंग्लिस्तान में उस वक्त लेबर पार्टी की थी। अगर कंजरवेटिव पार्टी की हुकूमत होती तो जो हमारे खान अब्दुल वली खान साहब जाकर इंडिया ऑफिस के रिकॉर्ड से कुछ चीजें दे आया करते थे उनकी अहमियत थी इसलिए जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान में रहना चाहता था उसने वाक्य डिवाइड एंड रूल इस पॉलिसी को इख्तियार किया है और यह उसकी हमत अमली का लाजमी हिस्सा था लेकिन जब पाकिस्तान बना है लेबर पार्टी की हुकूमत वो अखंड हिंदुस्तान की हामी थी चुनाचे आपको मालूम है कि लॉर्ड एटली वजीर आजम कायदे आजम से शरीर नफरत करता था अब तो उसकी किताब शायद हो चुकी है उसमें मौजूद है और जो हमारा वॉयसॉय था लॉर्ड माउंट बैटन वो गांधी का चेला था फिर पाकिस्तान कैसे बन गया अल्लाह की खास हिकमत है ये नोट कर लीजिए ये बहुत अहम नुकता है इसमें आखिरी दलील जो मैं दे रहा हूं जिसका कोई और तोड़ है ही नहीं सन छियालीस में काद आजम ने कैबिनेट मिशन प्लान कलबूल कर लिया वो क्या था हिंदुस्तान एक वहादत की हैसियत से आजाद होगा मरकजी हुकूमत एक होगी लेकिन तीन जोन होंगे यह जो तीन जोन है दस साल के बाद अगर कोई जोन अलहदा होना चाहे तो उसे इसका इख्तियार होगा कादे आजम ने मान लिया पूरे हिंदू प्रेस में मजाक उड़ा हंसी उड़ाई गई बस खत्म पाकिस्तान का मुतालबा यह सारा जो जो भी शोरा शोरी थी वो खत्म हो गई बहुत ही वो नाजुक वक्त था मुस्लिम लीग के लिए और कादे आजम के लिए लेकिन उस असल सब क्या था कायद आजम जानते थे कि अंग्रेज अब यहां से जाएगा हर कीमत पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजी हुकूमत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो अपने बहुत आउटलाइंग जो पोजेशन थे उनको कंट्रोल नहीं कर सकती थी दे लीव इंडिया उन्होंने तो अपना प्रोग्राम 1948 का रखा था अड़तालीस में हम हिंदुस्तान छोड़ गए सन छियालीस में जब यह मिशन प्लान आया है कैबिनेट मिशन प्लान तो कायद आजम को महसूस हुआ कि अगर हमने इस वक्त इस बात को ना माना तो एन मुमकिन है कि अंग्रेजी हुकूमत यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ पावर करके दफा हो जाए नुख्सत हो जाए और फिर जाहिर बात है एक दफा मरकजी अगर हिंदुओं के हाथ में आ गई तो फिर जाहिर बात है कि कोई इम्कान नहीं रहेगा किसी भी तरह का लिहाजा इस वक्त इसको कबूल कर लो इसमें मौजूद है दस साल के बाद तो एक पाकिस्तान का खाका मौजूद है कि जोन अगर होना चाहे अलीहदा तो हो जाए लेकिन इसको खत्म किसने किया पंडित नेहरू ने ये जो हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि तमाम इंसानों के दिल अल्लाह ताला की दो दोगनियों के मा ने जिधर चाहता फेर देता है पंडित नेहरू उस वक्त प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उन्होंने कहा ठीक है एक दफा बन ले दो फिर कौन किसी को अलहदा होने देता है बात सच्ची कही थी उसने निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में फकीह है मसनाहत बीस है और हिंदे बहाा बात तो सही कही थी लेकिन कायदे यादव ने फौरन उसी के ऊपर मौकफ कायम कर लिया चुनाचे इंडिया विन्स फ्रीडम जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब है उसमें उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर की एक ही गलती तस्लीम की है कि मैंने उस वक्त कांग्रेस की कांग सदारत से इस्तीफा दिया और यह जो कैबिनेट मिशन प्लान था यह अबुल कलाम आजाद के जहन की पैदावार था लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है कि अब कोई इल्जाम कायदे यादम को नहीं दिया जा सकता था कि नीयतें यह है तो फिर हम इसको तस्लीम नहीं करते इसके नतीजे में पाकिस्तान बना है यानी एक अंदाज में आप कह सकते हैं अगर नेहरू खामोश रह जाता तो पाकिस्तान कभी वजूद में ना आता बात तो सच्ची वही थी कि एक दफा मरकजी हुकूमत बन लेने दो फिर कौन किसी को अलहदा होने देता अब ये साठ बरस होने को आए वो कश्मीर का एक इंच उन्होंने हमें नहीं दिया तो पूरा एक जोन दे देते ना नामुमकिन ना लिहाजा बात तो सच्ची उसी की थी अगर वो खामोश रहता तो पाकिस्तान कभी ना बनता अब यह मामला वही है कि लोगों के दिल जो है अल्लाह ताला की उंगलियों के मा बहन है वह बोला और पाकिस्तान बना तो यह खालिश डिवाइन डिवाइन इंटरवेंशन थी और उसका कानून वही अल्लाह का कि जब कोई कहे कि अल्लाह हम तेरी बंदगी के लिए आजादी चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनको आजादी देता है वादा पूरा करता है कि अब देखेंगे तुम क्या करते हो अच्छा अब इस अरसे के दौरान यह जो मैंने कहा कायद आजम ने राग अलापा इस्लाम का या कवाली गाय इस्लाम की इसके कोटेशन जो है जैसे कि अजीजम आकि सई साहब ने भी कहा हमने आज से कुछ अरसे पहले भी किताब किया था स्पीक्स हिज विज़न ऑफ़ पाकिस्तान इन कोटेशन के ऊपर अभी इसको मजीद अंदाज करके हंड्रेड कोटेशन दस सालों के दौरान की जिनकी तकी उन्होंने बरमना कहा है। हमारा निजाम हमारा कानून हमारी हर शे इस्लाम के मुताबिक होगी सौ कोटेशन तो हैं सैतीस से सैतालीस तक और चालीस कोटेशन हैं सैतालीस के बाद पाकिस्तान बनने के बाद जिनमें से सिर्फ एक में एक दो अल्फाज को लेकर जो है हमारा जो सेक्यूलर पसंद जो सेक्यूलरिज्म पसंद हल्का है वो इस तकरीर ही को सारे डेढ़ सौ इकतम साथ और डेढ़ सौ तकरीरों के ऊपर जो है हावी करार देकर और इसे दस्तूर पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता है मेरे पास थब्बा है लेकिन मैं आपको सिर्फ दो हवाले दूंगा कायदे आजम के जरा अंदाजा कीजिए ये मिस्टर मोहम्मद अली जिना बोल रहे हैं या कोई मौलाना मोहम्मद अली जिना बोल रहे हैं यहां पर जो भी अंदाज है उसका अंदाजा करें यह गया बहार में कायद आजम ने मुस्लिम लीग का झंडा लहराया ये है ग्यारह जनवरी उन्नीस सौ अड़तीस कायद आजम ने फरमाया दिस इज द फ्लैग ऑफ इस्लाम for you cannot separate the muslim league from islam note karte jaiye many people misunderstand us when we talk of islam particularly our hindu friends when we say this flag is the flag of islam they think we are introducing religion into politics a fact of which we are proud note kare wo hame ilzam de rahe hain ke tum mazhab ko la rahe ho siyasat ke andar hum to is par hamara fakr hai effect of which we are proud islam gives us a complete code it is not only a religion but it contains laws philosophy and politics it contains everything that matters to a man from morning to night when we talk of islam we take it as an all embracing word we do not mean any ill will the foundation of our islamic code is that we stand for liberty equality and fraternity ये तो है उन्नीस सौ अड़तीस का और पढ़िए और उससे आगे ये उन्नीस सौ चालीस उन्नीस सौ छियालीस का है छ मार्च उन्नीस सौ छियालीस अस गो बैक टू अवर होली बुक द कुरान लेट अस रिवर्ट टू हदीस फिर सोचिए ये कोई मौलाना मोहम्मद अली जो है कायदे आजम बोल रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली या मौलाना मोहम्मद अली जिना या ये कोई जो कोई मिस्टर मोहम्मद अलीट गो बैक टू अवर होली बुक दुरानदी ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम एवरी थिंग इन दम फॉर अवर गाइडेंस इफ वी करेक्टली इंटरप्रेट देम एंड फॉलो अवर ग्रेट होली बुक दुरान जैसा कि मैंने कहा सौ से ज्यादा कोटेशन इस किस्म की है हम इस किताब को अब खत्म हो चुकी थी दोबारा जो है जरा और एक्सटेंशन के साथ इसको शाय कर रहे हैं इन जल्दी आ जाएगी ताकि ये जो है मामला इसको तो यूं समझिए कि इस झूठ को जो है इसको कफन जो है पैदा कर दफन कर दिया जाए मैं चंद सिर्फ जो है हेडलाइंस आपको सुना रहा हूं छह जून अड़तीस मुस्लिम लीग का झंडा नबी अक्रम का झंडा है बाईस नवंबर अड़तीस इस्लाम का कानून का दुनिया का बेहतरीन कानून का है आठ अप्रैल स्टार ऑफ इंडिया में मिल्ल इस्लामिया आलमी है सात अगस्त मैं अव्वल आखिर मुसलमान हूं नौ नवंबर नौ उन्नीस सौ उनतालीस मगरबी जमहूरियत के नकाइश चौदह नवंबर उन्नीस सौ उनतालीस इंसान खलीफतुल्ला है नोट कीजिए इस लफ्ज को यह लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है मोहम्मद अली जिना कायद आजम हिंदू और मुसलमान दो जुदागाना कौमें हैं टाइम्स ऑफ लंडन नौ मार्च उन्नीस सौ चालीस मेरा पैगाम कुरान है ये 26 मार्च 1940 इस जमन में कायद ने माइनॉरिटीज को भी कुछ यकीन दहानियां कराई कि वो उनको खौफ नहीं होना चाहिए उनके साथ फ्राक दिलाना सलूक जो है पाकिस्तान में किया जाएगा उसका भी मैं चाहता हूं कि एक उसकी कोटेशन आपको सुना दू ये तीस मार्च सन चवालीस की है सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर में शाय हुई मिस्टर जिना शोर द नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज दैट इफ पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश दे वुड बी ट्रीटेड विद फेयरनेस जस्टिस एंड इवन जनोस्टी दिस वॉज एंजॉइंड अपॉन देम बाई द कुरान तारीख के दौरान में कोई गलत तर्ज अमल इख्तियार किया हो तो हो लेकिन हमारा जनरल मामला जो है वो यही रहा है अब इसी पर है दर हकीकत जो ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस की तकरीर का एक जुमला है कि जिसे लेकर लोग दौड़ दौड़े दौड़ पड़े जस्टिस जो थे हमारे Uh, क्या नाम था उनका जिन्होंने जस्टिस मुनीर उन्होंने इस पर पूरी किताब लिख दी और उसको जो है सारे सेकुलर माइंडेड जितने भी हमारे हैं उस एक जुमले को लेकर चलते हालांकि उस जुमले का भी फीसद इस्लामी है पांच फीसद का उसके अंदर मामला हो गया है किस वजह से हो गया इसके बारे में मुख्त ताबीर लोगों की हैं। लेकिन है लेकिन यह है कि पिचानवे फीसद उन्होंने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू ये फ्री टू गो टू यी टू गो टू योर गुरुद्वारा ये बिल्कुल सही है इस्लामी रियासत में भी मजहबी आजादी सबको मिलती है वो तो सिर्फ एक मामला था जो कुरैश के लिए था बनी इस्माइल के लिए था अगर ईमान नहीं लाओगे तो कत्ल कर दिए जाओगे जो सूरह तौबा की इब्तदाई छह आया थे इसलिए कि हजूर खुदकर्शी थे और हजूर जो उनकी तरफ भेजे गए थे ये आपकी बेसत खसूसी थी बाद में सबके लिए यही था इस्लाम ले आओ हमारे बराबर के साथ ही हो गए हम ये भी क्लेम नहीं करेंगे कि हम सीनियर मुसलमान हैं तुम जूनियर हो हमारे ज्यादा है तुम्हारे कम नहीं बराबर के होगा अगर ये नहीं तो जिजिया दो छोटे बनकर रहो लेकिन तुम्हारी मजहबी आजादी तुम्हें पूरी की पूरी हासिल रहेगी और यही तारीख बताती कहीं पर भी बिलजबर किसी एक शख्स को भी मुसलमान नहीं बनाया गया हाँ ताकत अगर है तो निजाम जो है वो अल्लाह का होगा दीन अल्लाह का होगा दीन का कायम किया जाएगा इसलिए कि वही रहमत है इंसानों के लिए उसी में बेहतरीन जो है लोगों के लिए जो निजाम है सोशल जस्टिस का वो अल्लाह दिया है जरिए को दीन वो होगा बाकी मजहब के तौर पर तुम जिस तरह चाहो करो इसी तरीके से जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम एंड हिंदू टू भी हिंदूज नॉट इन द रिलीज सेंस बिकॉज रिलीजन इज दाइवेट फेथ ऑफ द इंडिविजुअल बट इन सेंस इसमें भी सीधी सी बात यह है कि वाक पूरी दुनिया में तो यही है कि मजहब जो है वो का आज पूरी दुनिया में है। हाँ इस्लाम जो है वो जैसा कि आपको कायम तकारीर से बताया इस्लाम मजहब नहीं है इस्लाम दीन है पूरी जिंदगी का निजाम देता है उस वक्त अगर इसको एक्सेप्ट भी कर देते जरा इसका इस देते तो बाद जो है उसके अंदर कोई भी जो है कोई गलती फै, गलत फहमी का इम्कान पैदा ना होता लेकिन हुआ है किस वजह से हुआ यह अलहदा ऐसे में उसमें जाना नहीं चाहता लेकिन इसकी नफी खुद कायदे आजम ने कर दी थी जो ये इंटरप्रेट कर रहे थे इसलिए कि पच्चीस जनवरी अड़तालीस को कराची की बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कायद आजम ने इसकी नफी कर दी थी कायद आजम ने फरमाया था कियद आजम सेड इस्लामिक प्रिंसिपल्स टूडे आर एज एप्लीकेबल टू लाइफ एस देर थर्टीन हंड्रेड इलाम कायदे आजम्मद अली जिना गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सेक्शन ऑफ दीपल हुटली वॉन्टेड टू क्रिएट मिशिफ एंड प्रोपेगेंडा दैट दिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वुड नॉट बी मेड ऑन देश ऑफ शरीय आप अंदाजा कीजिए मैंने पहले कोटेशन दी कुरान और हदीस अब लफ्ज शरीयत भी आ गया उससे भी एक नीचे कदम उतर कर लफ्ज शरीत क्या इस्लाम पाकिस्तान का दस्तूर शरीयत के मुताबिक नहीं बनेगा जो लोग ये कह रहे हैं वो शरारती है, है और वो गलत कर रहे हैं इस एबार से एक तेरा दिलचस्प जो कोटेशन है मैं देना चाहता हूँ उन्नीस सौ छियालीस में बर्तानिया की पार्लियामेंट का एक दस रुक्नी वफद हिंदुस्तान आया था उसमें रॉबर्ट रिचर्ड उसके चेयरमैन थे एक रुकुन था मिस्टर सोलनसन उन्होंने वापस जाकर किताब लिखी माय इंप्रेशन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 1946 उसमें वो लफ्ज इस्तेमाल करता है कायदे आदम के लिए मिस्टर जिना इज द सोर्ड ऑफ इस्लाम रेस्टिंग इन ए सेक्युलर स्कैबर्ड मिस्टर जिना जो हैं वो तो इस्लाम की तलवार है हाँ नयाब जो है जिसके अंदर वो तलवार है उसमें कुछ सिकुलर रंग मौजूद है जाहिर बात है कि मौलवी नहीं थे दाढ़ी नहीं थी मजहबी और उनसर जो है उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं थे और ये उनकी शख्सियत का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अहम हिस्सा है उन्होंने कोई भी लिबादा नहीं ओढ़ा कि मुसलमानों के अंदर मैं मशहूर होने के लिए या मकबूल होने के लिए ये मसनू लिबादे ओढ़ लूँ वो अपनी सीरत और किरदार के से बहुत मजबूत थे तो इस एतबार से ये लफ्स जो है बहुत अहम है बहरहाल कायद आजम ने पाकिस्तान बनाया और पाक कायद आजम के लेफ्टिनेंट कह लीजिए नायब कह लीजिए उन्होंने पाकिस्तान में चंद ही महीने बाद कायद आजम के इंतकाल के बाद करारदाद मकासद पास करा के पाकिस्तान में निजाम खिलाफत की बुनियाद कायम कर दी

वो तो तामील है उसकी तो इटात करनी है उसके अंदर अंदर खिलाफत का मामला होगा अमरु होम शूरा बम बाकी मामला अपने मशवरे से तय कर लो हाँ जो वाज हुक्म अल्लाह का आ गया कुरान में जो वाज हुक्म रसूल का आ गया हदीस सही में वो लाजिम है उसको आप जो है उससे आप जो इधर उधर नहीं जा सकते ये खिलाफत है एंड दिस हैज बिन एब्सोल्यूटली क्लियरली स्पेसिफाइड इन दब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कमियत अल्लाह की है और हमारे पास जो इख्तियार हैं वो एक अमानत है मुकद्दस अमानत सेक्रेट ट्रस्ट जो कि उन्हींदूदों के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे जो अल्लाह जो कुरान और सुन्नत में मुये कर दिए गए देश खिलाफा एक आर्टिकल जो है वो दर हकीकत खिलाफत की बुनियाद के क्या के लिए दस्तूर के अंदर काफी है बशर्त है जैसा कि मैं बाद में अर्ज करूंगा इसमें एक जुमला और होता जब ये टू ए के तौर पर लाए हैं जियाउल हक साहब अगर एक जुमले का इजाफा हो जाता इट विल टेक प्रेसिडेंस ओवर द द होल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये दफा पूरे दस्तूर पर हावी रहेगी तो फिर इसके बाद किसी दफा दो सौ सत्ताईस की जरूरत नहीं थी बल्कि ये कि उसके मुताबिक जो है यह पूरा का पूरा दस्तूर जो है वो इस्लामी बन जाता और खिलाफत का बन जाता अब आइए अब जिगर थाम के बैठे मेरी बारी आई बारी तो बहुत देर से आई हुई है लेकिन अब जरा तल्ख हिस्सा है लियाकत अली खां की शहादत के बाद जो कहते हैं कि इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही इस्लाम का वो खेल खत्म क्या असबाब थे कौन जिम्मेदार है ये एक अलहदा बहस होगी लेकिन बहस जिते मजमुई पूरी कौम मुसलमान आने पाकिस्तान जिम्मेदार है मुजरिम है कि उसके बाद इस्लाम की तरफ कोई पेशरफ नहीं हो सके इस्लाम का निजाम ऑफ सोशल जस्टिस फ्रिटर्निटी इक्वेलिटी एंड फ्रीडम कहां है आपको मालूम है कि सियासत और हुकूमत पर वो पूरा रंग जो है सेकुलरिज्म का वो छाया हुआ है और अब रोशन ख्याली के जरिए से उसमें जो नई डायमेंशन ऐड की जा रही हैं जो बात और आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है उसका हवाला अजीज माके सही दे चुके हैं और नंबर दो मईत पर सूद सूद जिससे बढ़कर कोई गुनाह इस्लाम की रूह से नहीं है किसी गुनाह पर अल्लाह की तरफ से चैलेंज नहीं आया इस सूद के गुनाह पर चैलेंज है अगर बाज नहीं आते हो फाज भी भी है व रसूल तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लाने जंग है तुम्हारे खिलाफ अल्टीमेटम और किसी के बारे में नहीं आया जिसके बारे में हुजूर की यह हदीस भी मौजूद है सुना ने अभी दाऊद में और रेबा हुबन सूद के गुनाह के सत्तर हिस्से हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं ऐसा रोहा उसमें सबसे हल्का इसके मसावी है के हर रजुल उम्म हूं कि कोई शख्स अपनी मां के साथ जिला करे ये सूद और जिसको मुफक्र है पाकिस्तान अलामा इकबाल ने जो कहा अजरेबा आखिर चमी जायद फितन कसन दानद लज्जत कर्ज हसन इस सूद के बतन से क्या चीज पैदा होगी उमुल खबाइश है इससे तो खबाइश ही वजूद में आएंगे फितने ही वजूद में आएंगे आज किसी को भी कर्ज हसन की जो नेमत है लज्जत है आपके पास कोई फाजिल सरमाया है और किसी और की जरूरत है आप दे दे फिर वो वापस दे देगा आपको आपके अंदर जो इसके अंदर जो कसन दानद लजत कर्ज हसन जातीरा दिलचू खिश्तो संग आदमी दरविंदा बेदन चंग इस सूद के जरिए से इंसान का बातिन तारीख हो जाता है और दिल जो है पत्थर हो जाता है रोड़े और ईट की तरह पत्थर की तरह और वो अगर ये भेड़िया नहीं होता बगैर उसके भेड़ियों के दांत नहीं है भेड़ियों का पंजा नहीं है लेकिन वो भेड़िया बन जाता वो सूद फक् पाकिस्तान खुद कायद आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जब इस्त किया तो कहा है कि इस्लाम का एक नया निजाम आपको तैयार करना है इस मगरबी निजाम मीशत ने इंसान को खैर नहीं दिया भलाई नहीं दी है यह अल्फाज मौजूद है इनगरल जो सेशन हुआ है तो इजलास था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस बैंकों के निजाम के बारे में जो तर्ख तरीन हकीकत जहां तक इकबाल की निगाह पहुंची थी गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद उसके अल्फाज में आपको सुना रहा हूं ई बनूक ई फिक्र यहूद ये यह बैंक क्या है यह बैंकारी के चालाक और ज़हन की पैदावार है उन्होंने पैदा किए पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड यहूदियों ने जो है इंग्लैंड में कायम किया है उससे पहले यूरोप में भी सूद मुमाने थी सूद की जब तक पोप का इक्तदार था सूद वहां जायज नहीं था दोनों कमर्शियल भी और यूजनी भी दोनों पर लेकिन इन्होंने ईसाइत के टुकड़े किए इसमें जो एक प्रोटेस्टेंट मजहब पैदा किया उस प्रोटेस्टेंट मजहब का मरकज बन गया इंग्लिस्तान उसने बगावत की पोप से और पहला चर्च ऑफ इंग्लैंड कायम हुआ पोप के खिलाफ और पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम हुआ यहूदियों के जरिए से और फिर उसके जरिए से यहूदियों ने पूरे यूरोप को अपने तसलुत में लिया है जो 1905 से 1908 तक जब गए थे एक यूरोप तो देखकर अपनी आंखों से आए के फरंग की रगे जहा पंजा यहूद में ई बनूक ई फिक्र चाला के यहूद नूर हक सीना ए, आद, आदम सीना इंसान के सीने में अल्लाह ने जो नूर रखा हुआ रूह रूह नूर है उसको निकाल बाहर किया खत्म हो गया अब वहां पर ता तहो बाला ना गर्दा दी निजाम जब तक ये निजाम जो बैंकिंग का है तहोबाला नहीं होता मलियामेट नहीं होता दानिशो तहजीब दीन सौदाए खाम कहाँ की दानिश और कहाँ का दीन और कहाँ की तहजीब इकबाल कह रहा है इसको आपको मालूम होना चाहिए इकबाल की पहली तस्लीफ इकतिया पर थी वो फलसफी वो हकीम वो दाना इंसान लेकिन इस माशी मसले को भी खूब जानता था अगली तरफ आई है जरात पर जमींदारी लैंड लॉर्ड एबसेंटी लैंड लॉर्ड का कब्जा है यह कौन से दौर की चीज है ये उस दौर की है जिसको इकबाल ने कहा कि यह दौरे मलूकियत की जो छाप इस्लाम पर पड़ गई आपको मालूम है इस्लाम का जो मुजद्दीद अव्वल था उमर बिन अब्दुल अजीज जब वो आए हैं उन्होंने सारे वसाइक मंगवाए हैं सारी दस्तावेजात मंगवाई हैं और कैंची के साथ कतर के फेंक दिया सब जमींदारियां और सब जागीरदारे खत्म ये पहला कारनामा था तजदीद का जो कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया है इसके अलावा तो अभी वहां कोई और खराबियां आई नहीं थी न गलत अकाइद का मामला आया था ना कोई और फलसफे गलत आए थे यही एक चीज थी और उसके बाद हमारे आईमा अरबा में से दो चोटी के जो दो हैं जो असाब रिवायत हैं उनमें इमाम मालिक गुले सरसबद और जो असाब दिरायत थे, जो कयास पर अपना जो मामला जो है उसको भी कायम करते हैं उनके सरबराह इमाब अबू हनीफा दोनों के नजदीक मुजारत हराम मुतलक है हराम मुतलक, जिसकी जमीन है वो काश्त करे इस मौजूद पर एक किताब भी मैंने शायद की थी इस्लाम और निजाम जमींदारी गौरण मोहम्मद तसिन साहब की जिसमें यह हदीस कम से कम दस हिस्सों दस तुल से आती है जिसके पास जमीन है या खुद काश्त करे या अपने भाई को दे दे लेकिन उसमें से एक दाना भी पैदावार कर लेने का वो रवादार नहीं होगा वो जरात वो जानबाना निजाम कहां है वो सोशल जस्टिस कहां है वो सलोरी दौर खिलाफत रास्ता का कहां है वो किफालत आमा जो कि बच्चा पैदा हो और उसका वजीफा मुकर हो जाए कहां है? जागीरदारी जमींदारी किसान हारी उनकी खून और मेहनत या पसीने की कमाई पर ऐश करता है जागीरदार और जमींदार उसके बच्चे इंग्लिस्तान और अमरीका में तालीम हासिल करते हैं और जिसके खून और पसीने की कमाई पर वो ऐश कर रहा है उसको ना दवा मिलती है ना तालीम मिलती है ना उसके बच्चे के लिए कहीं स्कूल में दाखिला मिलता है ये सारा निज़ाम जो है और अब जो तहजीबी अलगार आई है वो आ चुकी थी मगरब की तरफ से आई थी जो कल्चरल रेवोल्यूशन अंग्रेज लाया था अपने निज़ाम तालीम के जरिए से यकीन उससे जो है हमारे यहाँ वो तहजीबी अकदार मगरब की आ गई थी लेकिन अभी जरा एलीट तबके तक थी ऊंचा तबका ज्यादा सिविल और मिलिट्री ब्यूरोसी वगैरह के अंदर वो तहजीब वो तमदन वो उठना बैठना वो नश्स्त बर्खास्त वो वजाक़त वो ज्यादा उनमें थी अब जो है वह वसी पैमाने पर आ रही है बल्कि अब तो हमारे ऊपर दो तरफा ही अलगार हो रही है मगरिब की अलगार तहजीब के एतबार से जो कि अब खत्म करने पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन ने जो किताब लिखी अब वो मुसलमानों की तहजीब को बर्बाद करने पर ओपनली खुलकर उनकी बात जो हो रही है उसमें अब कोई ढके छुपे कोई बात नहीं है इसलिए कि अब वो सोल सुप्रीम पावर और अर्थ है उन्हें कोई खदशा नहीं किसी का डर नहीं लिहाजा और दूसरी तरफ से जो हमारे पास सैलाब आ रहा है वो हिंदुस्तान से आ रहा है अब जो नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा मुआबला हो रहा है अब जो हमारा और उनका जो है आना जाना और दोस्ती की पींगे और मोहब्बतें अब उसका क्या हो रहा है हमारी तहजीब का सोनिया गांधी ने बहुत पहले ये अल्फाज कहे थे वी एम ऑलरेडी कंकर्ड पाकिस्तान कल्चरली गो एंड सी दीडियो शॉप्स ऑफ कराची दे आर फुल ऑफ द फिल्म ऑफ दीडियो ऑफ इंडियन फिल्म वो तहजीब व तमदन आ गई है पिछले दिनों शायद आपने अखबार में बहुत से लोगों ने पढ़ा हो एक कालम निगाम लिखा था कि एक साहब हमारे एक साथी की दोस्त की वालदा का इंतकाल हो गया मैं ताजियत के लिए गया वो बहुत रो रहा था बहुत रो रहा था दिलासा दिया भाई ठीक है बस सब्र करो उसने कहा मैं सिर्फ अपनी वालदा के इंतकाल पर नहीं रो रहा मैं तो रो रहा हूं इस बात पर कि मेरी आठ साल की बच्ची ने मुझसे ये कहा अब्बा जान हम अपनी दादी अम्मा की अर्थी को आग कब दिखाएंगे ये है आपकी नस्ल जो हिंदुस्तानी फिल्म में देखकर जो भी उनकी तहजीब है उनका तमदन है उनका वो आपकी नई नस्ल जो है वो सीख रही है बहरहाल इस इनहराफ का अजीम इनहिराफ अजीम इहराफ अल्लाह ने वादा किया था फयंसा कहफ फिर हम देखेंगे तुम करते क्या हो कहा तो तुमने है हम तेरे दीन का बोल भाला करेंगे तुम्हारे लीडर ने कहा और कव्वाली गाई है इस्लाम की और ग्रा गलापे हैं इस्लाम के दस बरस तक और उसके बाद जो है पाकिस्तान बनने के बाद भी चालीस कोटेशन है की। मैं एक आपको सुना दी कि जिसमें वो ग्यारह किस वाले जुमले के पर भी ये कहा गया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामी शरीयत की बुनियाद पर दस्तूर नहीं होगा वो शरा, शरीर हैं शरारत करने वाले अब इस इंहराफ का नतीजा क्या निकला है एक लफ्स में उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं निफाक और यह भी पुराने मजीद की तीन आयात के हवाले से सूरह तोबा की आयात है 76, छिहत्तर सतहत्तर जाके पढ़िएगा मैं इस वक्त जो सुना रहा हूं गौर से सुनिए मदीने में जो मुनाफिक थे उनकी एक खास किस्म का जिक्र हो रहा है वह मिन हम मन आहद अल्लाह इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था आता आटाना मिन फजलें ही अगर अल्लाह हमें अपने फजल से नवाज देगा गदी कर देगा खूब सदका खैरा करेंगे नेकी के कामों में सर्फ करेंगे नेक बन जाएंगे अगली आयत फलम्मा आता हूं ही जब अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया बखेलू में ही अब बखुल से काम दिया वह तवल्लो, पीठ मोड़ ली वह मोर दूर एराज किया ये वादा खिलाफी की अब सदा क्या है अगली आयत में आम निल तो अल्लाह ने सजा के तौर पर उनके दिलों में निफाक पैदा कर दिया ये सजा है आज जो उम्मत मुस्लिम पाकिस्तानी को अल्लाह ताला की तरफ से दी जा चुकी है निफाक निफाक वो शहर जिसके बारे में कहा गया है मुनाफिक तो जहन्नम के सर निचले तबके में होंगे अब ये तीन किस्म के निफाकों का मैं तस्करा करूंगा पहला निफाक निफाक बाहमी हम एक कौम होते थे अब कौमीयतों में तहलील हो चुके हैं वो एक कौम कहां है ढूंढ अब उनको चिरागे रुखे जेबा लेकर अब तो असबियतें हैं सूबाई असबियतें हैं एथनिक हैं इलाकाई हैं लिसानी हैं। फिर मजहबी इख्तलाफ हैं और उनकी तलखी है कहां है वो कौम लिफाक बाहमी सबसे पहला लिफाक बाहमी उन्नीस सौ इकहत्तर में दो हुआ पाकिस्तान तारीख की अजीम तरीन हजीमतों में से एक वो थी इंदिरा गांधी ने कहा वी हैव एवेंज अवर थाउजेंड ईयर्स डिफीट हमने अपनी हजार साल शिकस का बदला चुका दिया है और हमने दो कौमी नजरिए को बे ऑफ बंगाल के अंदर गर्ख कर दिया है तिरानवे हजार मुसलमान हिंदुओं का कैदी प्रिजनर्स ऑफ वॉर तिरानवे हजार हमारा कितना असलाह उनके हाथ लगा था हमारी हमारे जो फिर बोरहाल था वो पाताल को आ चुका था वो तो मैं तहसील में नहीं जा सकता वक्त ज्यादा हो गया है वो तो, तो पाकिस्तान उसी वक्त खत्म हो सकता था इसलिए कि मगरब पाकिस्तान पर भी सारे हमारे डिफेंसिस टूट चुके थे सियालकोट सेक्टर टूट चुका था राजस्थान सेक्टर टूट चुका था सिर्फ एक टिका खान टास्क फोर्स लेकर बैठा हुआ था और वो था सुलेमान की हेडवर्क में बस एयर फोर्स हमारी पैरालाइज हो चुकी थी वो तो निक्स अल्लाह ने अभी हमें मोहलत देनी थी छोटा आजाब दिखाया था वलाबर लालज हम इन्हें बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब का मजा चखाएंगे ताकि शायद के जाग जाए होश में आ जाए लौट आए लालजूल ला सुबह शा की आयत बहुत अहम है अदना अकबर यह अजाब बहुत बड़ा था लेकिन इस एबार से अदना था कि बहरअल मशी पाकिस्तान नहीं सही एक आजाद मुसलमान मुल्क तो अब भी मौजूद है बांग्लादेश के नाम से सही उसकी माहियत बदल गई ठीक है लेकिन मुसलमान हुकूमत तो है वहां पर मुसलमानों का मुल्क तो है और यह कि वेस्ट पाकिस्तान को इंटेक्ट रखा है इंदिरा गांधी आखिरी वक्त तक बढ़ते वक्त तक कहती रही कि यह जो प्रो पाकिस्तान टल्ट था टिल्ट था निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन का उस, उसकी वजह से यह पाकिस्तान बच गया वर उसी वक्त खत्म था निक्सन का फोन गया है हॉटलाइन पर कोसीजन को कोसी का आया है इंदिरा गांधी को और उसने यूनी लेटरल सीज फायर किया है बहरहाल पाकिस्तान टूटा अब पाकिस्तान की बल्किनाइजेशन की खबरें हैं उन्नीस सौ बानवे में एक किताब शायी हुई इंग्लैंड में और वो ट्विन ईरा ऑफ पाकिस्तान वेंटेज प्रेस इनकॉर्पोरेटेड बेन न्यूयॉर्क से छपी लिखने वाला एक मुसलमान अबुल माली सैयद जो पैदा हुआ बिहार में पाकिस्तान बनने के बाद चला गया वालदेन के साथ मशरकी पाकिस्तान वहां से आया मगरबी पाकिस्तान एम ए कराची से किया फिर आगे जाके मगरबी यूनिवर्सिटियों से कई पी एच डी की उसने किताब लिखी और लिखा दो हजार छ दिसंबर में पाकिस्तान टुकड़ों में तकसीम हो चुका होगा नक्शा दे दी दो हजार में अल्लाह का शुक्र है कि दो हजार छह तो गुजर चुका लेकिन यह कि बहरहाल दुनिया का सोच रही है सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या दुनिया क्या, क्या क्या सोच रही है रैन कॉरपोरेशन की के जो है वो पेशेंट गोई वो अजीद वाकिफ आपको सुना चुके हैं दो हजार बीस में पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर कोई मुल्क नहीं हो ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है अब जाहिर बात है कि तौर पर बलोचिस्तान तो बिल्कुल के और आलीदगी के दहाने पर खड़ा है कल का धमाका नोट कीजिए जो हुआ है अदालत के अंदर जज समेत सोलह आदमी हलाक हो गए ऑन द स्पॉट पचास साठ जख्मी हो गए ये क्या हो रहा है बहरहाल ये जान लीजिए कि अब सूरत हाल जो है वो बफा बाहमी जो है और ये असमियत सिंधु देश भी बन जाता उन्नीस सौ तिरासी के अंदर एम आर डी की तहरीक के दौरान जब जयाउल साहब की हुकूमत थी वो तो यह कि उस वक्त इंदिरा गांधी चूक गई उसने मदद नहीं की वरना यह है कि सिंध में अगर रेलवे लाइन और मेन रोड काट देते तो उनके पास एक्सप्लोसिव थे नहीं उसने वो लग आग लगा रहे थे स्लीपर्स को आग लगा रहे थे बस वरना पाकिस्तान खत्म हो जाता बहरहाल अभी अल्लाह ताला की तरफ से जो बोलत है उसकी कदर की जानी चाहिए वो मैं में महस करूंगा और ये न समझिए कि पंजाब में सूबाई असमियत नहीं है पंजाब में शदीद तरीन सूबाई असमियत मौजूद है क्या वजह है कि पंजाब की तकसीम नहीं हो सकती हर सोचने समझने वाले शख्स ने पाकिस्तान में यह कहा कि ये जो हमारा मामला है कि चार फेडरेटिंग यूनिट्स में एक इतना बड़ा है कि बकिया तीनों की जो आबादी है उससे भी ज्यादा है ये छोटे जो है इसमें तकसीम का जो है सूबे तकसीम किए जाए पंजाब को तकसीम किया जाए ताकि एक हमवार किस्म का और जो है वो फेडरल निजाम बन सके सुनने को कोई तैयार नहीं हालांकि देखिए मशरकी पंजाब छोटा था मगरबी पंजाब से जो मैं छोड़कर आया था पंजाब मशरकी पंजाब उसमें चौदह जिले आए थे और मगरबी पंजाब में सत्रह जिला आए थे वो तीन हिस्सों में तकसीम हो चुका है। पंजाब उसकी अपनी अपनी जबाने हैं, अपना कल्चर है सारे मसायल उन्होंने हल किए लेकिन यह है कि हम जो है इसका नाम सुनने को तैयार नहीं इसलिए तो सिंधी असबियत है बलोची असबियत है पुख्तून असबियत है सराय की असबियत है यह दूसरी बात है कि सराय की जो है इतना कदीम मुतालबा उनका है कि अलदा सूबा कर दिया जाए पंजाब तैयार नहीं होता तो ये तो पहला निफाक बाहमी है दूसरा निफाक अखलाक का दीवाला निकल गया हदीस नबवी में है मुनाफिक की निशानियां तीन हैं। जब बोले झूठ बोले जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे अमीन बनाया जाए खयानत करे दूसरी हदीस में एक चौथी भी है या अगर झगड़ा हो जाए तो आपे से बाहर हो जाए फौरन ये चार जो है ये चार गज ले लीजिए अपने माशरे का जायजा ले लीजिए जो जितना बड़ा है उतना ही झूठा है जो जितना बड़ा है उतना ही वादा खिलाफ है। और जो गबन हमारे यहां हुए जो मिलियंस में हुए जो इस मुल्क को लूटा गया है डाकू बनकर हमारे आला अफसरों ने डाकू बनकर इस मुल्क को लूटा है यह सारा मामला क्या है दिफा के और हाल क्या हो गया है दो आदमी जरा सा झगड़े फौरन चाकू निकल आए मालूम होता है इंसान की जान मक्खी की जान से ज्यादा नहीं है ये वही वजा खासमा फजर जब बात करे झूठ बोले जब वादा खिलाफी करे और जब अमीन बनाया जाए ख्याल करे तो खाना वायदा अखलफादा काला इजा हदसा कसेमा फजर वो अखलाक का जो है दीवाला निकल चुका है नंबर तीन अहम तरीन बात अब्रस कर रहा हूं निफाक सबसे बड़ा निफाक किसी मुल्क में अहम तरीन दस्तावेज होती है उसका दस्तूर मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं माधुरफ खा हूं पाकिस्तान का दस्तूर मुनाफिकत का पलंदा है मुनाफी कहते किसे हैं ज़ाहिर में मुसलमान बातिन में काफिर बिल्कुल वही मामला यह है पाकिस्तान के दस्तूर का मैंने अर्ज किया करारदाद मकासद भी काफी थी इस्लाम के लिए अगर उसमें जुमला होता वरना जस्टिस नसीम असल शाह ने ठुकरा कर, कर फेंक दिया उसको मकासित को, ये भी एक दफा है इस आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो सकता बात खत्म दफा दो सौ सत्ताईस बड़े खूबसूरत अल्फाज लो लेजिस्लेशन विल बी डन रिपगड कुरानी सुनना लेकिन उसे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ नथ्थी कर दिया काउंसिल रिपोर्टें देती रहेगी देती रहेगी देती रहेगी आगे कुछ जिक्र नहीं है उन उन रिपोर्टों का क्या बनेगा वरना यह होता कि इतने महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में पेश होगी उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा नतीजा क्या निकला है करोड़ों रुपया सर्फ हुआ है काउंसिल के ऊपर उनकी रिपोर्टें उन्होंने मेहनतें की है बहुत मेहनत की है अच्छी से अच्छी रिपोर्ट है लेकिन वो रिपोर्टें जाकर डंप हो गई हैं कोई वजारत मालियात की अलमारियों में है कोई वजारत दाखिला की की जो है वहां पर जाकर उसका किसी एक पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई नंबर तीन जिया साहब ने बड़ा कारनामा किया तीर मारा फेडरल शरीयत कोर्ट बना दी और उसूली एतवार से यह बेहतरीन तरीका है इस्लाम के नफाज का एक अदालत हो उसे यह इख्तियार हो कि अगर कोई शेखिलाफ इस्लाम है वह फतवा दे दे कि यह खिलाफ इस्लाम है वो अगर मरकजी हुकूमत के दायरे की चीज़ है तो उसको नोटिस चला जाए इतने महीने के अंदर अंदर इसको खत्म कर दो वरना यह कि यह कलादम हो जाएगी और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा सुबाई हुकूमत का मामला तो सुबाई हुकूमत को नोटिस जाएगा बेहतरीन है मैं समझता हूं उसूली एतबार से यही तरीकेकार लेकिन उसको दो हथकड़ियां डाल दी दो बेड़ियां डाल दी दस्तूर पाकिस्तान तुम्हारे दायरे से खारिज गोया के दस्तूर के मामले में इस्लाम की कोई रहनुमाई कबूल करने को तैयार नहीं पाकिस्तान दस्तूर पाकिस्तान तुम्हारे दायरा कार से खारिज जुडिशल प्रोसीजरल लॉजता है दीवानी जबता फौजदारी तुम्हारे दायरे कार से खारिज दस साल तक माली मामला तुम्हारे दायरे से खारिज और तो और फैमिली लॉज जो एक मुनकर हदीस गुलाम अहमद परवेज ने बनवाए थे एक डिक्टेटर फौजी डिक्टेटर अयुब खान से और जो आज तक चले आ रहे हैं और जियाउल हक साहब भी जियाल बरस तक इस्लाम 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 करते हुए चले गए लेकिन वह कवानीन जूं मौजूद रहे इनको भी ये तुम्हारे दायरे में नहीं है चुना ची यही बात मैंने उनसे कही थी मैंने धोखा खाया था उनसे दो महीने के लिए मैंने समझा था कि ये वाकई कुछ इस्लाम का काम करना चाहते हैं उन्होंने मुझे वजारत पेश की थी मैंने उससे कहा था मैं उसका काबिल नहीं हूं अहल नहीं हूं दूसरे आपने वो काम करने हमें देना नहीं है आपकी तो फौजी हुकूमत है और हम इज्जाम हम पर आएगा ये निकम्मे हैं जैसे पहली मिनिस्ट्री जो बनी थी जमात इस्लामी और जमुई तलबा इस्लाम के वज्रा बने थे और वह उनको दागदार करके वहां से निकाल बाहर किया गया ताकि निकम्मे लोग हैं कुछ कर नहीं सके लेकिन जब शूरा की दावत दी वो मैंने कबूल कर ली लेकिन उसमें मैंने देख लिया बाद में दो सेशन के अंदर ही कि कुछ काम करने का कुछ इसका फायदा नहीं है ये विंडो ड्रेसिंग है अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को ये दिखाने के लिए क्या मेरी सिर्फ खालिश फौजी हुकूमत नहीं है बल्कि सिविलियंस भी मेरे साथ है मैंने फिर उनसे इंटरव्यू मांगा और पांच जुलाई उन्नीस को गवर्नर हाउस में, में मेरी मुलाकात हुई लाहौर में मैंने कहा जनरल साहब आप माथे पर कलंक का टीका लिए फिर रहे हैं तो मैंने तो ये मुहावरा बोला था लेकिन मैंने देखा उनके माथे के ऊपर मेहराब थी तो मैंने कहा कि यह तो बहुत ज्यादा जो है मैंने बात ऐसी कह दी है कि जो नामनासिब है और वो सब में आ जाएंगे लेकिन नहीं वो बड़े मुताम मिजाज आदमी थे क्यों कैसे कह रहे हैं आप मैंने कहा आपने फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई अपने हैंड हैंडपिक्ड ओलमा को वहां जज बनाया वो आपके हैंडपिक्ड ओलमा है आपको उनके ऊपर एतमाद है कि नहीं उनके इम पर उनके फैम पर उनकी जियानत पर उनके अखलास पर क्या है मैंने कर, फिर उनके हाथ बांध दिए आपने फैमिली लॉस पर बात नहीं कर सकते ठीक है मालियाती मामला फिजिकल मामला में आपने वक्त मुकर किया कोई दलील तो है ना कि एकदम तो तब्दीली नहीं हो सकती मालियाती निजाम के अंदर लेकिन यहां क्या है अंग्रेज ने हमारे फैमिली लॉस को नहीं छेड़ा हमारे अपने उलमा के फतवों के तहत चलते रहे शादी ब्याह विरासत के कवानीन सारे के सारे इसी तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों ने आज तक हालांकि बीजेपी वहां पर जो बड़ा अहम हिस्सा रही है हुकूमत का उसके तो दस्तूर उसके मंशूर में यह था कॉमन सिविल कोड सी 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 एक ही कानून होना चाहिए आलिया जो आयली कानून लेकिन नहीं आज तक मुसलमानों ने नहीं होने दिया और आपने यह कर दिया मैंने कहा मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कहता हूं वो आप करें आप हाथ खोल दें आपकी अदालत है आपने उनको बिठाया है और अगर गुलाम अहमद परवेज उस वक्त तक जिंदा थे वो भी जाए साबित कर करने कि इनमें कोई चीज किताब और सुनत के मुनाफी नहीं है मैं खुश मेरा रब खुश कहने लगे फिर इन खुत को कौन मुतमिन करेगा मैंने कहा अगर आपकी सोच का यही मैार है तो मेरा ये इस्तीफा हाजिर है तो एक तो ये कि वो कोर्ट के ऊपर यह तहदीदात लगा दी गई जिससे कोई हासिल नहीं और कुछ उन्होंने किया था एक बड़ा बारके का फैसला जब बैंक इंटरेस्ट को सूद करार दिया रिबा करार दिया नोटिस दिए उसे फिर हुकूमत ने जिस तरह मेनूवर किया है एक अपील दायर करवा दी गई फिर मोहलत ले ली गई फिर जस्टिस तकी उस्मानी साहब को वहाँ से निकाल बाहर किया गया जो लोहे का चना था उसको जो है निकाल बाहर किया गया दो नए जजे ले आए गए और कहा जाता है उनसे पहले ही ये बात तय हो गई थी कि उन्होंने जो है इसको इस, इस मामला यही देना है कि बैंक इंटरेस्ट जो है वो अभी साबित नहीं हो सका है कि रिबाह है लिहाजा दोबारा अजसरे दो शरीय कोर्ट इस पर गौर करे बहरहाल इस एतबार से अब जो बात मैं कह रहा हूं बहुत कड़वी है इस एतबार से पाकिस्तान अपना जवाब खो रहा है मुझे मेरे इल में नहीं थी ये बारटला फारूक हसन की बात सामने आई कितनी बड़ी बात भारत पूछे किस लिए बनाया तुमने पाकिस्तान वहां क्या है जो यहां नहीं है बल्कि वो बेहतर रहे जागीरदारियां तो खत्म कर दी इसीलिए वहां अवामी सियासत है हमारे यहां तो जागीरदार बैठा है और हमारे यहां जो भी कोई भी इलेक्शन हो जाए कितना ही ट्रांसपेरेंट हो साठ सत्तर फीसद तो वही जागीरदार बैठे होंगे कोई चाचा नहीं तो भतीजा हो जाएगा बाप नहीं तो बेटा अल्लाह हमारी सियासत क्या है म्यूजिकल गेम है इन, जा, इन जागीरदारों का एक खेल है एक है एक मशगला वक्त उनके पास फारिग है वो हारी और किसान मेहनत कर रहा है उन्हें तो दौलत आई जाएगी लिहाजा वो जितना चाहे बैठकर वॉलीबॉल का जो गेम है वो खेलें पार्लियामेंट के अंदर ये पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन है और ये फला है और ये फला है लिखे लो बहरहाल इस एतबार से, से फ्रेंच जबान का एक लफ्ज है रेजॉन दंग्रेजी में उसे पढ़ते हैं रेजॉन किसी चीज का जवाब क्यों है पाकिस्तान अपना जवाब खो रहा है इसलिए कि यह उस निजाम की तरफ कोई पेशकदमी नहीं हुई कोई पेशकदमी नहीं हुई जिसके लिए ये सारा मामला चला जिसके लिए कायद आजम ने दस साल सैतीस से सैतालीस तक इस्लाम की कव्वाली गाई राग अलापा जिसकी वजह से सन में मुसलमान जो नुमाइंदा वाहिद नुमाइंदा जमात होने का मकाम जो है मुस्लिम लीग को हासिल हुआ वो कहाँ है और अब दूसरी जानब एक और बात हो रही है। एक तरफ हमारा जो मुस्बत असाज थी इस्लाम और दौरे खिलाफत रास्ता को लाने का दोबारा एहतमाम एक तरफ वो नहीं हुई दूसरी तरफ अब अमरीका के दबाव के तहत नॉर्मलाइजेशन 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 आपको मालूम है कि हमेशा से हिंदुस्तान का भारत का मौका यह था कि पहले नॉर्मलाइजेशन करो फिर कश्मीर की बात होगी हमने कहा नहीं पहले कश्मीर फिर कोई और बात खुद हमारे मौजूदा सदर जो हैं ये आगरे से आ गए थे और बड़े ही मतलब यह कि गर्दन लकड़ा कर आ गए थे कि नहीं पहले कश्मीर की बात होगी फिर होगी कोई और बात लेकिन अब क्या हो रहा है और इस नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है आबद और रफ्त है जब भीह डाली जा रही है बसंत मनाई जा रही है और सूरत हाल क्या हो चुकी है मशरकी पंजाब का वजीर आला दो दफा आकर लाहौर में कह गया ये लकीर मसनू है इसे मिटाओ खत्म करो मशरकी पंजाब और महरवी पंजाब को तो एक ही हो जाना चाहिए किसी और मुल्क में ऐसी बात कभी होती है एल के एडवानी आया हाँ कायदे आजम के बाजार पर तो जाकर उसने फूल चढ़ा दिए साथ ये भी कह गया कि अब तो बस कॉन्फेडरेशन हो जानी चाहिए अब ये मोहब्बत के तराने और ये जो हमारे ताइफे इधर से उधर उधर से इधर आ रहे हैं और ये जो खला मला हो रहा है इससे यह है कि वो जो मनफी एहसास थी वो भी खत्म हो रही है इसलिए कि वाकया ये है कि अब हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म इज दी रूल इसमें कोई शक नहीं है वहां सेक्युलरिज्म है पूरी दुनिया मानती है वहां जमहूरियत भी है पूरी दुनिया मानती है लिहाजा वहां मामला अब जो है वो मजहबी दुश्मनी का और मजहबी जो ऐनात का उतना नहीं है मौजूद है और हर हिंदू के दिल में एक जख्म है पाकिस्तान का यह नोट कर लीजिएगा कितनी ही मोहब्बत करे कितना ही रवादार हो कितनी ही मीठी मीठी बातें करे लेकिन उसके दिल का नासूर यही है पाकिस्तान भारत माता के टुकड़े मुकद्दस सरजमीन भारत लिहाजा कोई भी उन्हें मौका मिला जैसे सन उन्नीस सौ इकहत्तर में सुब्रमण्यम ने जो रिपोर्ट लिखी थी जो गवर्नमेंट को कहा था कि यह जो मशरकी पाकिस्तान का मामला इस वक्त है दिस इज दांस ऑफ दिस यूज इट इसी तरीके से कोई भी मौका आया भारत विल यूज इट पीछे तो कोई उसके अंदर कोई भी उसकी रुकावट नहीं होगी बहरहाल ये नॉर्मलाइजेशन अगर उसके बाद होती कि हम अपनी नजरियाती असास को मजबूत कर चुके होते तो खुश आयु थी मोहब्बत को कौन बुरा कहेगा खैर सगाली को कौन बुरा कहेगा अच्छे ताल्लुक को कौन बुरा कहेगा आमदोरफ्त जो है होनी चाहिए यह सब कुछ है लेकिन अगर हमारी मजबूत नजरियाती सांस मजबूत होती तो बल्कि यह लव ऑफेंसिव या पीस ऑफेंसिव हमारी तरफ से जाता फिर हम दाई होते जहां भी इस्लाम का निजाम कायम होगा दुनिया में वह दाई बनकर खड़ा हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए कि निजाम इख्तियार करो यह हमारे बाप की जागीर नहीं है यह रहमत आलमीन सल्लाम का दिया हुआ निजाम है यह पूरी नौ इंसानी के लिए रहमत है लिहाजा हम तो फिर दाई की हैसियत से हमारी तरफ से दोस्ती का पैगाम होता तो दाई की हैसियत से होता इस वक्त जो कुछ है उसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की निगेशन हो रही है नतीजा जो है वो मैं कर चुका हूं कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या ट्विन एरिया के इरा की किताब मैं बता चुका हूं आपको रेंट कॉरपोरेशन की बात बता चुका हूं और लास्ट क्रूसेड लास्ट क्रूसेड जो इस वक्त हो रही है और जो अफगानिस्तान जिसका इस वक्त मैदान है इसके थपेड़े अब आपके मुल्क के अंदर आ चुके हैं बड़ा सख्त वक्त आने वाला है सदर परवेज मुशर्रफ साहब के लिए ये डू मोर डू मोर डू मोर एंड इफ यू डोंट डू वी विल डू चुनाचे अमेरिका के अवान नुमाइंदगान में तकरीर एक जनरल कर चुका है हमें हमले करने चाहिए यह मामला जो है इधर मशरकी सरहद के ऊपर वो हमारा अजली दुश्मन बैठा है जब मौका मिलेगा वो इस लकीर को ख़त्म करने की कोशिश करेगा ये हमारा मगरबी सरहद महफूज रही हालांकि अफगानिस्तान की हुकूमत जो थी शुरू से पाकिस्तान की मुखालिफ़ थी एक ही वोट था पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होने की तजवीज के अंदर जो मुखालिफाना आया था वह अफगानिस्तान का था बाकी पूरी दुनिया ने कहा था कि हाँ ठीक है पाकिस्तान को मेम्बर बनना चाहिए अफगानिस्तान ने कहा नहीं लेकिन ये के दौरान में इसके अलावा अफगान नेशनलिज्म जब परवान रहा था और पुख्तूरिस्तान के नारे लग रहे थे और हमारे लीडर कह रहे थे कि हम ये जंजीर जो तोड़खम पे लगी हुई है वहां से हटाकर और ये मारग्ला में लगा देंगे या अटक पे लगा देंगे ये सारी चीजें जो हैं अब क्या शक्ल है अब वहां पर वो क्रूसेड आ चुका है ये क्रूसेड इस पर जो एक किताब बड़ी शानदार हमारे एक सहाफी ने लिखी है जैसे यहां सरहद में हयातुल्ला खां थे एक सहाफी जो कत्ल कर दिए गए ऐसे ही जान थे वो तंजीम के रफीक हैं बहुत बड़े सहाफी हैं उन्हें भी जान का खतरा हो गया था उन्हें इस तरीके से उनका पीछा किया जा रहा था वो बुल छोड़कर चले गए अब कनाडा में कई किताबें वो लिख चुके हैं एंड ऑफ डेमोक्रेसी उनकी किताब है बड़ी जबरदस्त उन्होंने साबित किया है कि यह मगरबीब लिब, लि, लिबरल सिक्युलर डेमोक्रेसी का वक्त खत्म हो चुका है अब इस्लाम का निजाम आएगा यह उन्होंने साबित किया एंड ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑफ हिस्ट्री किताब लिखी थी फूको यामा ने उसके जवाब में ये एंड ऑफ हिस्ट्री किताब उन्होंने लिखी और एक किताब अफगानिस्तान लास्ट क्रूसेड आखिरी क्रूसेड की जो बात तैयार हो रही है वो यहां हो रही है और शायद इसलिए हो रही है हमारी बहुत सी बातों से यहूदी हमसे ज्यादा वाकिफ है हदीस में इस इलाके के बारे में कहा गया है खुरासान यखुरानया तो सूद सूदहायता ये जो आखिरी जमाने में जो किताबों जो हदीस की किताबों में बाबुल मलाहिम है और जंगों का तस्करा है अल महमतमा और अल उसी में फिर जिक्र आता है खुरासान से झंडे लेकर फौजें चलेंगी कोई उनका रुख बोल नहीं सकेगा और वो जाकर सीधी एलिया में जो हुजूर के जमाने में बैतुल मुकदस का नाम था वहां जाकर झंडे नश्म हो जाएंगे गोया की सदीश की रूस से यह मालूम था कि यहूदियों का कब्जा होगा और यहूदियों का जो है कब्जा उसको यहां से लोग जाएंगे जो वहां से बागुजार कराएंगे इसी को बनाया उन्होंने और चूंकि जरा सी एक झलक अभी इस्लामी निजाम नहीं था दहा सियासी निजाम बना था तालिबान के तहत नबी नीशी निजाम को बना था चंद एक इस्लामी सजाएं नाफिज की थी और नब्बे पचानवे फीसद एरिया जो है अफगानिस्तान का क्राइम फ्री हो गया पूरी दुनिया ने देखा अपनी आंखों से इन्होंने सोचा कि ये इवल इन दी बट खत्म करो इन्हें ये निजाम अगर और मैं आपको नोट करा दू हमारे यहां के सिक्युलर दानश्वरों में बहुत नुमाया मुकाम हासिल है इकबाल के साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल को वो तालिबान के जमाने में काबुल गए आठ दस दिन वहां रहे वापस आए तो अकोड़ा खटक का जो मदरसा है जाम हक्कानिया वहां उन्होंने तकरीर की और उसमें यह अल्फाज कहे कि जो कुछ हालात मैं वहां देखकर आया हूं अगर चंद और मुसलमान मुल्कों में हो जाए तो पूरी दुनिया इस्लाम ले आएगी ये जावेद इकबाल के अल्फाज है लिहाजा अब यही तो वो चीज है जो उन्हें पसंद नहीं है शैतान का एजेंट शैतान के सबसे बड़े आलायकार यहूदी और यहूदियों के अलाकार ईसाई इस वक्त जो है पूरा का पूरी ईसाई दुनिया जो है वो उनके आलायकार की हैसियत रखती है यह मामला भी अब पाकिस्तान के सामने आ चुका है अब इसका हल क्या है आखिरी बात एक लफ्स तोबा तारीख में दो मरतबा ऐसा हुआ है हजरत यूनूल उनकी कौम पर अजाब के आसार शुरू हो चुके थे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी रसूल की कौम पर अजाब के आसार शुरू हो जाए और फिर वो तोबा करे तो तोबा कबूल हो जाए लेकिन हुई है कौम कौम यूनुस कौम यूनुस के साथ मामला हुआ उसकी वजह यह थी कि हजरत यूनुस यूनुसम से खता हो गई थी अल्लाह की एक्सप्रेस परमिशन के आए बगैर वो अपनी कौम को छोड़कर चले गए थे कौम से नाराज होकर लिहाजा वहां अजाब अजाब के आसार आए पूरी कौम ने तोबा की अजाब के आसार टल गए इसी तरीके से यहूदियों की तारीख में जब वो इंतहा पस्ती में गिर चुके थे जब नहबूक नजर ने छह लाख यहूदी मुकद्दस में कत्ल किए थे और छह लाख को कैदी बनाकर ले गया था और मुकद्दस में एक मुतनफिस भी बाकी नहीं रहा था किले समानी की दो ईटें भी सलामत नहीं थी फिर हजरत ने तोबा की बना दी कि लोगों तौबा करो बल्टो अपने नब की तरफ मुश्काना हम से तोबा करो बिदात से तोबा करो अल्लाह के फ़राइज को अदा करो शरीत को अपने ऊपर नाफिज करो फिर उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आया और एक अजीम तर्क हुकूमत उनकी कायम हुई मक्काबी पावर कहलाती है वो तारीख के अंदर हो सकता है हमारी भी तोबा को अल्लाह कबूल फरमा ले इसमें अब मैं सबसे पहले मैं कहता हूं कि हमें दुआ करनी चाहिए दुआ सबसे पहले सदर मुशब्रफ साहब के लिए बहरहाल वो आपको पसंद होना हो मुझे पसंद होना हो इस वक्त इस मुल्क की तकदीर उनके हाथ में है और अल्लाह ताला दिल बदल सकता दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके दिल को बदल दे वो खड़े हो जाएं अब जब आए कोई ना कोई मरहरा आएगा डू मोर डू मोर और उनके लिए बड़ा इम्तहान हो जाएगा उस वक्त वो खड़े हो जाएं डट जाए वट सो एवर बेकम जो भी हो जाए खर्चे बाद खड़े हो जाए डे तो यह हो सकता है मैं एक मिसाल दे रहा हूं बाबर ने भी तोबा की थी जब राना सांगा का मुकाबला हुआ है और बाबर को ख़तरा हो रहा था कि अब मेरा मामला जो है ख़त्म हो रहा है तो तौबा की है शराब के बर्तन तोड़े हैं अल्लाह की मदद मांगी है नुसरत खुदाबंदी के लिए को पुकारा है अल्लाह ने फतेह दी तो बहरहाल इसके लिए उनके लिए भी दुआ कीजिए अल्लाह दिल को बदल दे मैं उन्हें समझता हूं कि वो पाकिस्तान के मुखलिस हैं दुश्मन नहीं है लेकिन असल एक बात जो उनके सामने नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान की जड़ और बुनियाद इस्लाम के सिवा कोई नहीं और इसकी बका और इसका जो इस्तेमाल है वो सिवा इस्लाम के किसी और शय से नहीं हो सकती ये बात काश कि उनके समझ में आ जाए आ सकती है कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है इंसानी शख्सियतों के अंदर भी इनकलाब आ जाया करते हैं दूसरा दूसरी तोहबा दस्तूरी सतह पर वह दस्तूरी सतह के ऊपर तोबा का मामला जो है वह हमने एक दस्तूर में तरमीम इस दस्तूर में जो चोर दरवाजे हैं जिनकी वजह से यह मुनाफिकत का पलंदा बना हुआ है वो सारे चोर दरवाजे बंद किए जाए प्लग किया जाए उन तमाम को उसके लिए हमने एक तरमीम का खाका बनाया उसे शाय किया बड़े पैमाने पर शाया किया बहरहाल यह सारा काम हम कर रहे हैं इसको कहा था उस वक्त जनरल हमीद गुल साहब ने कि अगर इस पर अमल हो जाए तो पाकिस्तान में एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन आ जाए अगर दस्तूर में तरामीम हो जाए वो दस्तूर जिसमें जड़ बुनियाद खिलाफत की मौजूद है सिर्फ कुछ दफात ने उनको गैर मुसर कर दिया है उन दफात का मामला अगर दुरुस्त हो जाए तोबा की जाए उनकी इसलाह हो जाए तो यह दस्तूर जो है खिलाफत का बेहतरीन दस्तूर बन जाए मेरी आखिरी बात रह गई कायद आजम के मामले में जो जिक्र मुझे करना चाहिए था कि उनकी वफात से दो तीन दिन पहले का जो वाक्य है जो प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अली शाहब ने नकल किया है 11 सितंबर उन्नीस को ये शायद हुआ था रोजनामा जंग में उसे हमने बहुत काम किया वो ऐसी उम्दा, वो मुलाकात की तफसील भी इतनी उम्दा है कि मैं खुद ये कहता हूं कि उससे पहले तक कायद आजम की अजमत भी थी मेरे अंदर जज्बा शुक्र भी था मोहब्बत नहीं थी मोहब्बत पैदा हुई है उसको पढ़कर किस कदर उस शख्स के अंदर जो है एक जज्बा था चुनाच उसके अल्फाज जो हैं थोड़ा सा हिस्सा मैं उसके पढ़कर आपको सुना देता हूं तुम जानते हो जब मुझे यह एहसास होता है कि पाकिस्तान बन चुका है तो मेरी रूह को किस कदर इत्मीनान होता है यह मुश्किल काम था और मैं अकेला इसे कभी नहीं कर सकता था मेरा ईमान है कि यह रसूल खुदा वसल्लम का रूहानी फैज है कि पाकिस्तान वजूद में आया अब यह पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वह उसे खिलाफत राशदा का नमूना बनाए ताकि खुदा अपना वादा पूरा करे और मुसलमानों को जमीन की बादशाहत देख आजम इल्म में वो अदीस भी थी जिनमें यह पेशन गोई है कि क्यामत से कबल पूरी दुनिया में निजाम खिलाफत कायम होगा और उमत मोहम्मद सल्लाकूमत कायम होगी टेबल विल बी टर्न अभी जो हो रहा है वह है वो यकीन जो है और हालात खराब से खराब तक भी आएंगे अभी और भी और कुछ रोज फिजाओं से लहू बरसे लेकिन इन दी लॉन्ग रन दी टेबल्स विल बी टर्न और होगा तो इसकी खबर दी है ने अब तीसरी बात ये है अगर यह रेवोल्यूशन नहीं आता हमारी तमन्नाएं हैं दुआएं हैं और अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इसकी तौफीक दे दे फबे वरना फिर एक हार्ड रेवोल्यूशन की तैयारी करनी है वो तैयारी क्या है आवाम मैं और आप तोबा करें अल्लाह की जनाब में सबसे पहले माशियत का तर्क अपनी माशरत में अपने माश में अगर कोई चीज हराम की है निकालें बाहर करें पाप करें अपनी माशरत को भी अपनी मीशत को भी फराइ की अदायगी में कोताही है तो उसको उसकी तलाफी करें उसको पूरा करें सबसे पहले इंफिदी यह तोबा और उसके बाद मिलजुल कर एक हिजबुल्लाह बनाए अल्लाह की जमात ये कुरान की असला है हिजबुल्ला हिजबुल्ला हिजबुल्लाबून वो हिजबुल्लाह और उसके लिए बुनियाद वहां लिखा हुआ है कि हमने जो तंजीम इस्लामी बनाई है उस हिजबुल्लाह की उस तंजीम इस्लामी के नाम से उसकी बुनियाद जो है वह बैत समल मारूफ पर कायम की गई जाहिर बात है कि हर मुसलमान बात है हमारी जमात के साथ इतफाक ना हो कोई बात नहीं लेकिन हर शख्स जो तोबा करे वो तय कर ले किसी, ना किसी ऐसी जमात में जरूर शामिल होगा जो पाकिस्तान में इस्लाम निजाम कायम करने के लिए जिदोजहद कर रही हो कोई हो जिसको भी आपको बात अच्छी लगे उसको इख्तियार कर लीजिए लेकिन कोई शख्स भी इस जिद्दोजहद से फारिग ना रहे खाली ना रहे और फिर यह अगर ये दबा तैयार हो जाए वो तदबे तादाद में हो फिर यह एक पुरमन अवामी एहताजी तहरीक एक एजिटेशन के जरिए से पुरन लेकिन यह अपनी जाने देने के लिए तैयार फायरिंग हो जैसे ईरानियों पर हुई तेहरान के अंदर और आपको मालूम है कि हजारों जो है ईरानी जो है वो वो जहां बहक हुए फिर बादशाह को भागना पड़ा हमारे यहाँ मुशर्रफ साहब हो या उनके बाद कोई और अल्लाह न करे अल्लाह न करे कि और भी कोई इसी तरह का आदमी आ जाए तो उनकी हुकूमत को और उनके पूरे निजाम को आपको मालूम है अवामी सैलाब का रेला जो है उसमें बह जाती हर चीज उसमें कुछ देर जो आर्मी होती है नेशनल आर्मी वो हुकूमत का हुतु मानकर फायरिंग करती है एक वक्त आता है कि हाथ उठा देती है भुट्टो साहब की तहरीक जब चल रही थी एंटी भुट्टो तो आपको मालूम है बहुत से लोगों ने जाने दे दी थी लेकिन फिर ब्रिगेडियर मोहम्मद अशरफ गोंदल ने लाहौर में कहा अब हम मजीद कोई फायरिंग नहीं करेंगे दो ब्रिगेडियर और खड़े हो गए भुट्टो साहब को होश आ गई दो दिन चंद दिन पहले उन्होंने कहा था मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है मालूम हुआ वो कुर्सी तो मजबूत नहीं है वो तो फौज के बल पर थी बुलाया पी एन ए से निगोशिएशन हुई बात तय भी हो गई थी वो तो जियाउल हक साहब पहले से उधार खाए बैठे थे तैयार कर तैयारी कर चुके हुए थे कब्जा करने बहरहाल यूक्राइन में जो कुछ हुआ है आपको मालूम है जॉर्जिया में जो हुआ करगिजिस्तान में जो हुआ लैटिन अमेरिका में जो हुआ ये एक तरफा बगावत नहीं मुन एक मजबूत जमात की जेर क्यादत मतालबा ये चीजें खत्म करो और उसके नतीजे में एक अवमी तहरीक के जरिए से तब्दीली लाना यह गोया कि वो हार्ड रेवोल्यूशन का होगा और उसके लिए तंजीम इस्लामी भी है उसके लिए तहरीक खिलाफत भी है मैं आपको दावत देता हूँ आप उसका मुता करें देखें सोचें कंपेरिटिव स्टडी करें और जमातों को भी देखें जिस जमात पर दिल ठुक जाए कि यह इस्लाम के लिए सही काम कर रही है उसमें शामिल हो जाए खाली ना रहें कोई शख्स खाली ना रहे इस जिद्दोजहद से वो इसमें शामिल हो जाए तो हमारा मुताल जो है हमारी क्या तहरीक तहरी खिलाफत है बाद लोग जो है इसमें जरा पेचीदगी के अंदर उलझ जाते हैं कि यह तहरीक खिलाफत है यह तंजीमें इस्लामी है तो मिसाल क्या है तहरीकें पाकिस्तान थी लेकिन जो जमात उसकीम बरदार थी उसका नाम मुस्लिम लीग था हमारी तहरीक खिलाफत की तहरीक है जिसकी खुशखबरी दी हुई हजूर ने सल्लाह कयामत से पहले पूरी दुनिया में निज़ाम खिलाफत नबूत कायम होगा होकर रहेगा इसमें कोई शक् मुझे नहीं और न होना चाहिए किसी को भी जिसका भी ईमान है मोहम्मद पर सही और पुख्ता आदिश के अंदर मौजूद है लिहाजा उसके लिए जिदोजोदाहिर बात है किसी एक मुल्क से शुरू होगा ये एक अलहदा मौजूद था उसके लिए मैंने आज जो है उधर मैं नहीं जा सका हूँ इसके लिए मशीत खुदाबंदी बहुत अरसे से इस खत्ते के लिए कुछ तय कर चुकी थी आपको मालूम है तहरीक खिलाफत चली तो यहां हिंदुस्तान में और कहीं भी नहीं चली आजादी की तहरीकें चली तो दूसरे मुल्कों में अपने लोकल नेशनलिज्म की बुनियाद पर चली यहां इस्लाम के नाम पर चली पाकिस्तान मुआजे के तौर पर कायम हुआ फिर सत्ताईसवीं शब रमजान मुबारक में नाजिल हुआ ये वो आयात हैं ये वो करामात हैं जो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है उससे पहले यह मुजदीन का सिलसिला जो एक हजार बरस तक आलम अरब में रहा था वह हिंदुस्तान में मुंतकिल हुआ बहरहाल अब यह कि इसके बाद भी अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता पाकिस्तान फेल हो जाता तो इन ततवल कौमन अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन से जो हमने तुम्हारे हवाले किया और जिसके लिए हमने तुम्हें मुल्क दिया मोजे के तौर पर दिया तो फिर हम तुम्हें हटाएंगे यही मिशन किसी और के हवाले कर देंगे अल्लाह उस वक्त से हमें बचाए और हमें तौफीक दे हम इस्लाम के सिपाही बने और इस्लाम को नाफि करने के लिए अपना तन मन धन लगाने के लिए तैयार हो जाए वरना हमारा हश्र वो होगा जो सूरह आराफ में एक शख्स का जिक्र किया गया है बतलोअ अलैहिम नबा अल्लज़ी हो आयातना एक बलहम बिन बाबूरा होता था बहुत बड़ा दरवेश बड़ा साहिब करामत बुजुर्ग हमने उसे अपनी आयात अता की थी ना फंसला का मिनहा उसमें से निकल भागा। शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग गया मिनल गावीन। फिर वो इंतहाई गुमराह होकर रहा यही हमारा हाल है हमें आयात अता की गई थी हमें सत्ताईसवीं शब्द में यह पाकिस्तान नाजी किया गया हमारे के लिए हमारे लिए मोजे के तौर पर आया ये सारी चीजें आयात हैं लेकिन अगर हम इन सब को पीछे डालकर और सिर्फ दुनिया में और दुनिया के जो भी और रंग है इस वक्त उन्हीं के पीछे लगे रहे तो फिर वलाउ वलाफा ना, ना हो बेहा अगर हम चाहते तो उसे और बुलंदी और रिफत रूहानी अखलाकी अता करते वला वाला किन्ना वो तो जमीन ही की तरफ धस्ता चला गया उसके बाद फरमाया है जाल का मसलौी बेतला यही मिसाल उस कौम की भी है जो अल्लाह की आयात को झुटला दें फोशिलकल्हत कर तो नबी इनको ये वाक़ा सुना दीजिए शायद कि ये गौर करें सोचें कहीं ऐसा ना हो कि हम बल्ला बबारूणा बनकर रह जाए और हमारी दास्तान सूरत फिर ये होगी कि तुम्हारी दास्तं तक भी ना होगी दास्तानों में अकुल व कौली हाजा वस्तफ़रल वलकुमलसारमुस्तमी अबरमुस्तबात लेकिन यह है कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि मेरी इस गुफ्तगु मेरे इस खिताब को मेरे लिए भी तो आखरत बनाए और आपके लिए कोई नई एक उमंग एक नया वलवला वो जो इकबाल ने कहा था एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को लाहौर से ताबा खा के बुखारा और समरकंद एक नया वलवला लेकर आप यहाँ से उठें अल्लाह ताला जो है हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए हज़रात इस दुआ को रस्मी न बनाइए वाकई अल्लाह ताला की तरफ मुतवजह होकर और कल की गहराइयों से दुआ करें अलहमदिल्लाजान कुल शिक्र कुल हमद कुल तारीफ कुल ना उस असने हमें हिदायत बख्शी और हम हरगिज़ हिदायत याफ्त ना हो सकते थे अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता रबना वहब ना उनका रहमा काब पर दिगा जो हदायत तुम्हें हमें अता की है अब उस पर इस्तकाम अताफरमा अल्लाह अब हमारे दिलों को कज न होने दे तेरे नबी ने बताया है कि तमाम इंसानों के दिल तेरी दो उंगलियों के माबे है तू जिधर चाहता है फेर देता है हमारे दिलों को ईमान की तरफ तकवा की तरफ एहसान की तरफ जहाद फीस अबी की तरफ एक दीन की जिद्द के लिए और निज़ामत खिलाफत अलाहाजिन नबूत के क़्याम के जद्दो के लिए खोल दे